So guys, let's begin with this chapter, Theory of Cost and Revenue. Now, in the previous chapter, that is Theory of Production, हमने क्या देखा भैया, short run, long run देखा, but we were concerned only with the production aspect, हमें सर सिर्फ production से मतलब था. In short, we were concerned with physical quantity of input versus physical quantity of output. However, real life में बेटा अपने को उससे associated cost भी देखनी पड़ेगी. क्यों सर? क्योंकि देखो बेटा, अपने पास आएगा रेवेन्यू आएगा, कॉस्ट कम से कम हो. बेटा प्रोडक्शन कुछ भी होने दो, प्रोडक्शन तो तुम ऑप्टिमाइजेशन कोई भी लेवल पे कर सकते हो, पर तुम्हें कॉस्ट कम से कम चाहिए. सही है कि नहीं? और सर अपने को रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए. अल्टीमेट एम क्या है? मैक्सिमाइजेशन करना है प्रॉफिट का. तो सर वही चीज़ के चलते हुए हमने जब प्रोडक्शन का एस्पेक्ट देख लिया कि मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन हमने करना चाहिए, अगर वो चीज़ हमने देख ली तो बेटा अब अपन देखेंगे कॉस्ट. जो प्रोडक्शन किया उसी से रिलेटेड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर चैप्टर 7 के अंदर मर्जिंग कर देंगे कॉन्सेप्ट की. तो आइए, लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. नाउ, बिजनेस डिसीजन आर जनरली बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मनी वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज कंसिडर. तो आपको पहले इनपुट वर्सेस आउटपुट सिखा दिया. क्या बोला मैंने आपको? इनपुट वर्सेस आउटपुट तो मैंने सिखा दिया, अब उससे एसोसिएटेड कॉस्ट बताऊंगा. बेटा इनपुट से एसोसिएटेड कॉस्ट होती है और आउटपुट से एसोसिएटेड रेवेन्यू होता है, इसलिए चैप्टर का नाम कॉस्ट एंड रेवेन्यू है. आपको समझ में आ रहा है? प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या किया बेटा? इनपुट वर्सेस आउटपुट देखा. इस पर्टिकुलर चैप्टर में इनपुट की कॉस्ट और आउटपुट का सेलिंग प्राइस देखेंगे और सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोशिश करेंगे. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने समय की आहुति देकर ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया है, तो हमें ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी चाहिए. In another word, cost analysis is concerned with the financial aspect of the production. बात समझ में आ रही है आपको? हमने production physical quantity देख लिया, अब ये physical quantity की cost भी तो देखना जरूरी है. नहीं तो सर आप तो बोलोगे कि मैं हजारों quantity produce करना चाहता हूँ, पर बेटा एक level के बाद cost बढ़ना चालू हो जाती है, तो आप higher cost में क्यों produce करें? तो ये आपको detail में क्या करना है ये सिखाएगा. आइए कुछ टाइप की कॉस्ट रहती है वो देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी बोला जाता है, जिसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोला जाता है, जिसको आउटले कॉस्ट भी बोला जाता है. चारों का मीनिंग सेम होता है. क्या बोला बेटा मैंने? चारों का मीनिंग सेम होता है. थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, ठीक है बेटा? चारों का मीनिंग सेम होता है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट या आउटले कॉस्ट, चारों का मीनिंग सेम होता है. ये एक ऐसी कॉस्ट रहती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं हम. कोई भी ट्रांजेक्शन जो अकर होता है हम उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं. मान लीजिए सर मैंने रेंट दिया है, मान लीजिए मैंने इंटरेस्ट दिया है, मान लीजिए मैंने वेजेस दिए हैं, तो बेटा ये सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जो तुम्हारे पॉकेट से बाहर जाते हैं. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और आउटले कॉस्ट, दे ऑल मीन द सेम. द कॉस्ट जिसके अंदर आउटफ्लो इन्वॉल्व रहता है, जो तुम्हारी जेब से एक्चुअली जाता है, it is called as explicit cost. It is recorded in the books of account. The cost which involve cash payment towards FOPs, factor of production, rent ho gaya, wages ho gaya, interest ho gaya. These are recorded in books of account, rent, wages, salary, interest on loan borrowed, etc. Now, a very important concept is implicit cost. Implicit cost ke aur bhi naam hai sir, opportunity cost hai, notional cost hai, imputed cost hai. Kya naam beta diya isko? Humne kaun kaun se naam diye ek bar check kariye. Implicit cost. ठीक है, एक्सप्लिसिट का उल्टा इम्प्लिसिट. नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, इम्प्यूटेड मतलब डाली गई कॉस्ट, नोशनल मतलब नाम के लिए ली गई कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो भी कॉस्ट यहां पर दे रखी है सर, दे ऑल मीन द सेम. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कॉन्सेप्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट हो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, कुछ भी नाम दो, दिस इज द कॉस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बट इट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. फॉर एग्जाम्पल सर, मैं बिग फोर में जॉब कर सकता था, 20 लाख रुपए कमा सकता था. आई एम नो वेयर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन इन माई ITR. क्या बेटा मैं ITR में लिखता हूँ कि मैं 20 लाख रुपए बिग फोर में अर्न कर सकता था? नो, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट. बट बेटा आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का डिसीजन उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है. आई एम सो सॉरी, आज मैं लेक्चर के लिए लेट हो गया हूँ, काफ़ी कम बच्चे ज्वाइन हो पाए हैं, ठीक है? आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ओके. सर क्या मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मैंने डिसीजन तो लिया होगा. सर मैंने 20 लाख कंपेयर करे होगी, अगर बेटा मेरे को यहाँ 5 लाख मिल रहे होते तो मैं यहाँ क्यों आता? ठीक है, अगर बिग फोर मुझे 70 लाख मिल रहे तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है आपको? सर इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. मैं बिग फोर में काम कर सकता था, मैं प्रीवियस अकेडमी में काम कर सकता था, बेटा वो सारी चीज़ें कंसिडर करके ही तो मैंने आज अपने डिसीजन लिए हैं.
मैंने प्रीवियस अपनी कॉस्ट को कंसिडर करके ही तो आज अपने सारे डिसीजन लिए हैं, ऑल दो इट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, ये कहीं भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आईटीआर में रिकॉर्ड नहीं करा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, मैंने अपने पीएनएल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड नहीं किया, बट एट द बैक ऑफ द माइंड इट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, इट इज वेरी रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. सर प्लीज एलैबोरेट. गाइस अभी देखो 9 बज गए, 11 बजे तक चलने वाला है आराम से, आप तैयारी से रहो, वैसे भी रोज 11 बजे तक जाता है, आज ये लंबा लेक्चर ले लिया, इसमें पूरा यूनिट निपटा देंगे अपन, आप लोगों के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं, मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि बेटा कल टेस्ट का महासंग्राम होने वाला है, कल तूफान टेस्ट होने वाली है, कल आपका भयंकर क्विज होने वाला है, पार्टिसिपेट करिए बेटा, तूफान है, तूफान मैं आपको बोल रहा हूँ ना, गारंटी से बोल रहा हूँ साहब, मेरे को एक्सपेक्टेशन है, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप अपनी रियल पावर दिखाएंगे तो 1000 तो कहीं नहीं गए बेटा, 1000 कहीं नहीं गए, आपका भाई दिल खोल के पैसा निछावर करेगा आपके ऊपर, टेंशन ना लो. आइए सर पढ़ते हैं. सर हम बात कर रहे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की. लेट्स से आदित्य सर वॉज इन KPMG एंड ही वॉज अर्निंग 10 लाख रुपीज पर एनम. सर He can also do CA की practice and he can earn 12 lakh, but now he is in teaching and he is earning let's say 15 lakh. So what do you think Aditya sir क्या करेंगे? Obviously sir जहाँ ज़्यादा पैसा इंसान वहाँ पर जाएगा, I am doing this. But what is my opportunity cost? What am I losing? Sir you are losing KPMG, you are losing CA practice. But which one is the opportunity cost? By definition, opportunity cost मतलब cost of next best alternative. यानी कि सर क्या हो गया? My next best alternative is 12 lakh. So what is my opportunity cost? To gain 15 lakh, I am losing 12 lakh. To gain 15 lakh, I am losing opportunity of 12 lakh. The cost of next best alternative is called as opportunity cost. Now, अब दिमाग चकराने वाला है सर. सर, मैं बड़ा भावुक इंसान हूँ. सर. मैंने क्या सोचा? कि सर देखो टीचिंग रियल कोर बिजनेस थोड़ी है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, और जॉब भी थोड़ी है रियल कोर काम. सर रियल काम है इकोनॉमी को दौड़ाना, मैं करेगा प्रैक्टिस. 12 लाख मिल रहा ना सर, मिल रहा. अरे कौनो गल नहीं सर, मैंने 15 लाख का जॉब, मैंने 15 लाख की टीचिंग छोड़ के 10 लाख का KPMG छोड़ के CA प्रैक्टिस के अंदर आ गया. बेटा नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव. Which is the next best alternative? बेटा अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो क्या करते? सर अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गलती से KPMG मत बोल देना, नेक्स्ट बेस्ट इज टीचिंग. समटाइम नेक्स्ट बेस्ट इज मोर. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, शायद आपको नहीं भी पता होता, मैंने बता दिया. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सो द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो ऑप्शन तुम चूज कर लोगे उसके बाद जो ऑप्शन बचता है, जो बेस्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज the opportunity cost. It is not recorded in books of account, but it is always relevant for decision making. मैं अगर teaching में आ रहा हूँ, मुझे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, at the back of my mind मैंने कहीं ना कहीं calculation करके रखी है सर, practice में कितने मिलने वाले थे, job में कितने वाले मिलने वाले थे. job में अगर मेरे को 70-80 लाख मिल रहे होते तो तुमको लगता है मैं teaching में आता? शायद आ जाता, लेकिन अगर मैं teaching में आ जाता तो practice या job में मेरा जो lose करता उसको बोलते हैं opportunity cost. बेटा एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं teaching में हूँ तो मैंने क्या लूज किया? KPMG भी लूज किया, प्रैक्टिस भी लूज किया. बट टोटल मत मार देना, मत बोलना 22 लाख इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आप कोई भी एक ही काम कर सकते हो बेटा, तो जो नेक्स्ट बेस्ट है वो लेना, टोटल ऑफ ऑल नहीं बोला है. द कॉस्ट दैट डू नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट, इट इज द मॉनिटरी रिवॉर्ड फॉर ऑल फैक्टर ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. बेटा क्या एंटरप्रेनर खुद को प्रॉफिट देता है कभी? कि नहीं भैया आज महीने का आखिर दिन आ गया, रेंट दे दिया, सैलरी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, अब मैं खुद की एक जेब से प्रॉफिट निकालेगा? तो प्रॉफिट निकालता हूँ मैं सर, सर प्रॉफिट निकाला मैंने और खुद को ही प्रॉफिट दे दिया. अरे नहीं सर, ऐसा नहीं करते, नहीं करते. अब आप बोलोगे सर 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 हमने तो ना बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट में ना हमने देखा है कि जो सोल प्रोप्राइटर है ना सर, नहीं नहीं सर पार्टनरशिप में भी देखा है कि वो ड्राइंग्स करता है सर, तो हम रिकॉर्ड करते हैं. बेटा वहाँ पे बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, यू आर सेपरेट एंटिटी ना, तो आपने अलग लिया, क्या बिजनेस ही खुद को प्रॉफिट देता है?
नहीं साहब, आप बोलोगे सर हमने ना पीएनएल अकाउंट के अंदर ना प्रॉफिट लिखा है, हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया बेटा, वहां पे प्रॉफिट इज द रेसिडुअल अमाउंट, आपने प्रॉफिट पे नहीं किया है, आपने किसी को जेब से दिया नहीं है। ड्रॉइंग्स इज डिफरेंट, आपने ड्रॉइंग्स बिजनेस में काम करने वाले सोल प्रोप्राइटर को दिया सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आपने पार्टनरशिप भी है तो ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर, अरे सर वो बिजनेस से अलग इंसान है, आपने उसको पेमेंट दिया है, वो अलग चीज है। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या, आपके पप्पा प्रॉफिट कमाने के बाद खुद ही को बोलते हैं आह आज मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया, ले भाई तू अब मेरा प्रॉफिट रख ले, एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में रखते हैं, नहीं। तो बिल्कुल मत कहना प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स, इट इज द रेसिडुअल अमाउंट सर, बैलेंसिंग फिगर है प्रॉफिट। आइए सर इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मींस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये याद रखिएगा सर। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आप पेमेंट तो करते ही करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात सर, इकोनॉमिक्स में आप पेमेंट तो करते ही करते हैं, बट वी आर कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग, तो इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों आती है बेटा, कभी भी याद रखना। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट से आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। आगे और कॉन्सेप्ट आएगा। अब बात करते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड और द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन इन सिलेक्टिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ ऑप्शन। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। सीधी बात है सर, अगर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है तो नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल तो होना चाहिए सर। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कब चूज करेंगे, जब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन तो अवेलेबल है। अगर ऑप्शन ही नहीं है, अगर बोला गया आदित्य तक उसे प्रैक्टिस ही करनी है तो बाकी दो चीजें कर ही नहीं सकता, तो भैया मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूं, क्योंकि मैं वहां पे तो काम कर ही नहीं सकता, तो इन दैट केस माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इफ द रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अ पर्टिकुलर यूज देयर इज नो कॉस्ट। अगर आदित्य से प्रैक्टिस ही कर सकता है तो भैया केपीएमजी में कितने मिलने इसका सवाल ही नहीं आता, क्योंकि केपीएमजी इसको जीरो देगा सर। टीचिंग में आ नहीं सकता, टीचिंग में इसको जीरो मिलेंगे, तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। सो एम आई लेफ्ट विथ एनी चॉइस, नो। इफ नो चॉइस, नो डिसीजन मेकिंग, नो डिसीजन मेकिंग, नो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश पेमेंट। ऑब्वियसली सर सोच की कीमत थोड़ी लगती है, अरे मैं क्या कर सकता था उसकी कॉस्ट थोड़ी लगती है, सिंपल। इट इज कंसिडर्ड ओनली फॉर डिसीजन मेकिंग, यस सर। अ पर्सन क्विट्स हिज जॉब एंड एंटर इन द बिजनेस। सर वो जॉब छोड़ के आया और बिजनेस में आया तो उसको बिजनेस से प्रॉफिट मिलेगा, पर उसने क्या खो दिया सर, उसने खो दिया सैलरी, तो सैलरी होगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा कुछ टीचर ने अच्छी लाइन निकाली है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिस चीज़ को हम खोते हैं उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये मेरी ओरिजिनल लाइन नहीं है, मेरा कुछ ओरिजिनल, मेरा कुछ पेटेंट रहता है मैं बता देता हूँ, पर ये मेरी लाइन नहीं है, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्रेडिट गोज टू दैट पर्टिकुलर टीचर। ठीक है, बहुत सारे टीचर यूज़ करते हैं, मैंने 6-7 टीचर्स को यूज़ करते हुए देखा, बट इट इज़ नॉट माई ओरिजिनल लाइन, बट स्टिल आई लाइक इट। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जिस चीज़ को हम खोते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जिस चीज़ को हम खोते हैं उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सर बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए हमें सैलरी फॉरगो करनी पड़ेगी, तो जो सैलरी फॉरगो करी हमने कुछ पाने के लिए कुछ खोया, और जो खोया वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, डायरेक्ट कॉस्ट या फिर ट्रेसेबल कॉस्ट। बेटा पूरा सी ए इंटर कॉस्टिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है सर। आपके लगभग 50 मार्क्स से दो कंसेप्ट पर आएंगे, आप सोचो भी मत। आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स फाउंडेशन का पूरा इकोनॉमिक्स और बीसी के फाउंडेशन का मिला भी लो ना, तो भी आपका कॉस्टिंग नहीं बन पाता है। ठीक है, मैं तो बोल रहा 50% कॉस्टिंग है, इन्होंने दो लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, पर जितना लिखा है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट? नाउ लेट्स से टू मैन्युफैक्चर दिस फोन, सोचो ऐसा कि ये फोन एक नॉर्मल फोन है सर। ठीक है, इस फोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए पैनल कंपलसरी। अभी ये क्या है सर, अब ये बैक कवर नहीं, ये एक चिप है, ये पैनल है, ये कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्किट है सर, ये लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फोन नहीं चलेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक फोन बनाने के लिए मुझे एक पैनल लगेगा ही लगेगा? हाँ सर, आप बात तो सही कह रहे हैं। लेट्स से बेटा ये बॉटल है, क्या मैं कह सकता हूं एक बॉटल बनाने के लिए मुझे एक कैप लगेगा ही लगेगा? हाँ सर, यानी जितनी बॉटल उतने कैप। हाँ सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। अभी आप कुछ आगे गुगली मत डाल देना, अभी वो गुगली डिपेंड करता है कि अंदर से प्रोडक्ट क्या निकलता है सर, खजाना क्या निकलता है सर। का है रे, ये तो खाली है। अच्छा चलो छोटा सा सर, क्या मैं कह सकता हूँ एक पेन को बनाने के लिए एक कैप लगेगा? हाँ सर,
तो मैं इस कॉस्ट को ट्रेसेबल कॉस्ट कहूंगा। मैं डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर ये कितनी लगी है ट्रेस कर सकता हूँ। पर सर ये फोन बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, सर ये फोन बनाने के लिए कितना पावर यूनिट कंज्यूम हुआ, ये पेन बनाने के लिए सर चाय वाले को कितना खर्चा गया, सर तीसरा क्या था, सर ये बॉटल बनाने के लिए झाड़ू मारने वाले, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, पानी गिराएगा क्या, पागल हो गया क्या, 50,000 का लैपटॉप है, समझ नहीं आती तुझे, सॉरी सर। तो सर ये बॉटल बनाने के लिए झाड़ू वाले ने कितने पैसे लिए आपसे, आप ट्रेस कर सकते हो, नहीं सर। तो डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ट्रेसेबल कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको समझ में आ जाता है सर। फॉर एग्जांपल ये माउस बनाने के लिए समझो ये बॉल वाला माउस होता तो एक माउस एक बॉल, या हो सकता है एक माउस पांच बॉल मान लो, तो भी आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट का डायरेक्टली ट्रेसेबल है। पर सर इसको बनाने के लिए आपने कितनी रिश्वत दी, रिश्वत इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, स्टिल कितनी रिश्वत दी सर बता सकते हो क्या, नहीं। सम कॉस्ट आर नॉट अलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर वो इंडिविजिबली स्प्रेड रहते हैं। ये पंखे का खर्चा आपको पढ़ाने के लिए लेक्चर देने के लिए मुझे नोट्स का खर्चा है, डायरेक्ट कॉस्ट है, एक स्टूडेंट एक नोट्स, पर कितनी बिजली लग रही है पर स्टूडेंट, कितना चार्ज करूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इफ द कॉस्ट इज डायरेक्टली ट्रेसेबल टू अ प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट, इफ इट इज नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आप कहेंगे आप सर अब क्या करना, ऐसी कॉस्ट को छोड़ देना क्या, नहीं बेटा ऐसी कॉस्ट को छोड़ देना नहीं, बहुत सिंपल है, आपको सारी कॉस्ट ईयर एंड पे इकट्ठा करना है। आपने इकट्ठा करी भैया 5,00,000, नंबर ऑफ यूनिट आपने पेन कितने बनाए 1,00,000, तो भैया पर पेन डाल दो 5 रुपए, इट इज वेरी सिंपल। बट ये कैप 50 पैसे का है तो मुझको पता है भैया 50 पैसे इस पर डायरेक्टली चार्ज करने, बट जो बाकी के कॉस्ट में डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकता, मैं क्या करता हूँ उसका पूल करता हूँ, पूल करता हूँ मैं इकट्ठा करता हूँ। एक बार इकट्ठा हो गया फिर एक सूटेबल बेसिस पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट चार्ज कर देता हूँ इस पर। डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोसेस और एन एक्टिविटी, दे आर चार्ज डायरेक्टली टू अ प्रोडक्ट, दे आर चार्ज डायरेक्टली टू अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल देर कैन बी जनरली क्वान्टिफाइड एंड एक्सप्रेस पर यूनिट, एग्जाम्पल 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सर एक कपड़ा बनाने के लिए, एक टी शर्ट बनाने के लिए 2.5 meter मेरे को कपड़ा लग रहा है, डायरेक्ट है। पर सर वो कैंची की धार करवाने के लिए जो 20 रुपये लगे थे मेरे को, रोज 20 रुपये लगते हैं, वो किस पे चार्ज करूँ, इस टी शर्ट पे, उस टी शर्ट पे, उस टी शर्ट पे, किस पे चार्ज करूँ, ऐसा नहीं करते, उसका टोटल करते हैं और डिवाइडेड बाय आउटपुट कर देते हैं। जैसे कि आप करते हैं ना TTMM, तू तेरा मैं मेरा, सर वो डायरेक्ट कॉस्ट। फिर आप क्या करते हैं, नहीं सर टोटल करने का डिवाइडेड बाय 5, वो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इनडायरेक्ट यानी नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, ट्रेस यानी कि आप ट्रेस नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते, बिजली का खर्चा किस पे डालूं। देखो इसलिए आशीष चंचलानी को भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, वो बार बार पूछ रहा था बिजली का बिल कौन तेरा बाप भरेगा। अरे सर वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है सर, वो इनट्रेसेबल कॉस्ट है, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है, पता ही नहीं चल रहा किसका बाप भरेगा। आई होप आपने वो आशीष चंचलानी का वीडियो देखा हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच आर नॉट इजिली डेफिनेटली आइडेंटिफाइबल इन रिलेशन टू plant, process or department. Therefore, such costs are not visibly traceable. These are not traceable. Sir, इसमें बिजली का बिल कितना मेरे को दिख रहा है क्या? नहीं सर। Sir, but nevertheless, they are charged to different job. इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिजली का बिल, पावर का खर्चा जो दो दो पांच पांच लाख रुपए आ रहा है कंपनी, वो बोलते नहीं छोड़ दे, नहीं अपने को नहीं समझ में आ रहा सर, अपने पोट्टो ने, अपने फाउंडेशन वाले पोट्टो ने पढ़ाई नहीं है कॉन्सेप्ट, अपनी कंपनी में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आ गए सर, इन्होंने तो चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दिया था, छोड़ो अपने कॉस्ट ही चार्ज नहीं करते। बेटा ऐसा नहीं होता, nevertheless, वो तो चार्ज करना ही करना है आपको, एंड अ पोर्शन ऑन अ सूटेबल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल बेटा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेशन, ऑपरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर सर कमिटेड कॉस्ट, कमिटेड सर एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, अब मैं वापस ये कॉस्ट कम नहीं कर सकता। एक बार मैंने जो एग्रीमेंट साइन कर दिया, एक बार जो मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया, फिर तो मैं लैंडलॉर्ड की भी नहीं सुनेगा। सर वही बात बोल रहा है। कमिटेड फिक्स कॉस्ट का मतलब तुमने अब कर दिया वादा, अब जो वादा किया है सो निभाना पड़ेगा। सर यहाँ पे आप गाना लिख दो, इट इज अनअवॉइडेबल नाउ। सर अब तो ये गले की फांस, गले की हड्डी, ना उगल सकते ना निगल सकते सर, वो बन गया है। अब आपने एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी, फिर तो भाई आप अपने आप की भी नहीं सुनते। ये
ठीक है, एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी तो अब ये कॉस्ट बन गया अनअवॉइडेबल। डिस्क्रिशनरी मतलब इच्छा अनुसार, सर इच्छा अनुसार, मेरे मन को भाया मैंने फैक्ट्री का एरिया बढ़ाया, मेरे मन को नहीं भाया मैंने फैक्ट्री का एरिया नहीं बढ़ाया। तो सर जहां हम जब चाहे कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कॉस्ट कम कर सकते हैं, वो बन गया डिस्क्रिशनरी। और एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दिया, हुड़ दबंग दबंग बेटा, आपको पे करनी पड़ेगी वो कॉस्ट। सर एग्जांपल ले दो, एग्जांपल के बिना हमें समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री ले ली है, आपने बोला है बेटा ये जो लीज है ये नॉन टर्मिनेटेबल लीज है, ये टर्मिनेट नहीं कर सकते, 5 साल की लीज ली है, अब तू ऑपरेशन कर यहाँ पर या मत कर, तो बिजनेस चला मत चला, कोनो फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पैंदा है सर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस केस में बेटा ये बन गई फिक्स्ड कॉस्ट जो कि कमिटेड है। सर कमिटेड लोग देखें चाहकर भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते, पर सर डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी मतलब क्या, इच्छा अनुसार वाले जब चाहे तोड़ सकते हैं सर। मैंने बोला कि ठीक है बेटा ये 5 साल का एग्रीमेंट नहीं करता मैं, एक एक महीने का करता हूँ, एक एक महीने का एग्रीमेंट करता हूँ, अगर मुझे छोड़ना रहा है मैं 1 महीने पहले तेरे को नोटिस दे दूंगा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट, मैं रिपीट नहीं करूंगा हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर संक कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा सर। हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द पास्ट एंड इट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सर यह भूतपूर्व घटना है, घट चुकी है, अब इसका वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल दो सर, ऐसे नहीं समझ में आता। एग्जाम्पल है कि लेट से आपको एक पावर प्लांट स्टार्ट करना था, उसके लिए आपने डेल्फी टेक्निक अपनाई, एक्सपर्ट्स की टेक्निक अपनाई, ओलिफ हेल्मर ऑफ लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए, सर आपने उनकी डेल्फी टेक्निक अपनाई और उनको दे दिए 5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ प्रोजेक्ट सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, एज द केस में भी, ठीक है, दोनों केस में क्या आपके जो 5 लाख गए वो गए? ऐसा थोड़ी है कि मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ तो ही 5 लाख दूंगा, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ तो 5 लाख नहीं दूंगा, भैया ऐसी बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसी कॉस्ट है जो आपने पास्ट में पे कर दी है और अब उससे कोई वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, वो पे कर दिया आप उसको रिकवर ही नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड ए संक कॉस्ट। इसका रेलेवेंस आपको CA इंटर ग्रुप 2 पेपर 8 पार्ट ए चैप्टर 7 के अंदर आएगा। CA इंटर ग्रुप 2 पेपर 8 पार्ट ए चैप्टर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। नेक्स्ट बेटा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी सुन लीजिए, इसका भी रिलेशन वहीं से आएगा। सर मेरे पास ना एक मशीन है, सर क्या है मेरे पास मशीन, ठीक है, ये मशीन सर पुरानी हो गई है, देखो लकड़ी पकड़ ली इस मशीन में, अब मेरे को चाहिए सर एक नई मशीनरी, ये नई मशीनरी आ रही है 5 लाख रुपए की, और पुरानी मशीनरी आज अगर मैं बेच देता हूं तो मेरे को जाएंगे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो मैं अगर मशीनरी रिप्लेस करता हूं, रिप्लेस कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ रिप्लेसमेंट करने में कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी? सर 5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल्स टू 4 लाख, सो दिस 4 लाख इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो बेटा जब भी आप कोई चीज रिप्लेस करना चाहते हो जो आपको कॉस्ट लगती है, दैट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या आपने कभी फोन परचेज करते टाइम ओल्ड फोन को एक्सचेंज किया है? हाँ सर हमने किया है। तो इसको एग्जाम्पल ले लो, ये 50,000 रुपये का फोन है, पुराना फोन 10,000 में जाने के लिए रेडी है, तो एडिशनल कितना लगा? सर 40,000। क्यों लगा? क्योंकि मैंने सर फोन रिप्लेस किया, मैंने पुराने को हटाया नए को लाया, रिप्लेसमेंट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब सर मार्जिनल कॉस्ट, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट माने की मार्जिनल कॉस्ट। इस पे इतने क्वेश्चंस नहीं आते जो पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं, जिस पे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ पे मैं करवाऊंगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर वॉचिंग बिकॉज आई टुक इट एट वेरी ऑड टाइम, आई एम सो सॉरी बिकॉज आई एम कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग माई सिस्टम्स फॉर यू, आई एम कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग एवरीथिंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ आपको बेस्ट प्रोवाइड कर सकूँ। आपको फील नहीं होगा कि कल की क्वालिटी और आज की क्वालिटी में मार्जिनल डिफरेंस है, मैं रोज़ मार्जिनल डिफरेंस के लिए काम करता हूँ, मुझे चाहिए बेस्ट से भी बेस्ट आउटपुट। बेटा फ्री में पढ़ रहे तो क्या पढ़ रहा है ना,
तू भी तो तेरा टाइम डिवोट कर रहा है यहाँ पे, तो मैं बेस्ट से भी बेस्ट देना चाहता हूँ। और रोहन सर ने बहुत भयंकर मदद करी यार, रोहन सर हेड्स ऑफ यार, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आए वो बाकायदा, बहुत दूर रहते हैं मेरे घर से, आए उन्होंने पूरा सिस्टम एक तरह से समझो कि सर स्क्रैच से बना के दिया। ये जो तुमको लगता है ना कि इतने आसानी से जुड़ जाता है, ये सब ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है, आसान नहीं है। यहाँ पे कुछ टीचर्स के लेक्चर देखना, वो ऐसे हाथ हिलाते हैं ना तो पीछे का पूरा बैकग्राउंड दिखता है, चेहरा फटता है, सर अपना नहीं होता है वो, अपना नहीं होता है। ठीक है, हल्का सा वो दिख रहा है, वो मेरा लाइट कम है सर, रात का टाइम हो गया है, नहीं तो इट वॉज गुड। बट रोहन सर यार सर लेजेंड है, अल्ट्रा लेजेंड भी बोल सकते हैं, पर ही इज़ लेजेंड, अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। फिर सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान से सुन ले मेरे पास। सर मैं ना 1 लाख मोबाइल बनाएगा, 1 लाख मोबाइल बनाएगा सर, मैं क्या बनाएगा, 1 लाख मोबाइल। सर 1 लाख मोबाइल बनाने के लिए मुझे कॉस्ट आ रही है 100 लाख। अब सर अभी आप मान लो 100 रुपये में बन रहा है मोबाइल, अपन वो चल छैया छैया वाला मोबाइल बना रहे हैं, अब आपको जो समझना है समझो, ऐसा मोबाइल है आपका, चल छैया छैया छैया, सुना है बचपन में छैया छैया, बेटा हमारे को तो, बेटा क्या बोल रहा, तुम भी ज़्यादा पुराने नहीं हो, अभी वाले बच्चों को तो देखो नए नए मोबाइल मिल गए, मेरे को तो 11th में मोबाइल मिला था 5th हैंड, मतलब घर पे सब ने उस फ़ोन को यूज़ कर लिया था, फिर मेरे को दे दिया था, वो भी मैं सिटी के बाहर पढ़ने गया था इंदौर में, तब मेरे को उन्होंने दिया था। हमारे टाइम पे तो ये चीज़ होती नहीं थी, अभी ऐसा बोलता ना, हमारे टाइम तो मेरे को फील आता है आत्माराम तुकाराम भिड़े वाली, ATB वाली आत्माराम तुकाराम हमारे ज़माने में, पर टोटली ड्रास्टिक चेंज आ गया। आज के टाइम पे लोगों को कितना टेंशन है, मोबाइल ये क्रश वो, अपने को कुछ नहीं था। तो सर लेट्स से मैं 1 लाख मोबाइल बनाता हूँ 100 लाख में, मैं 1 लाख 1 मोबाइल बना रहा हूँ, सर 1 लाख 1 मोबाइल बना रहा हूँ, तो 1 लाख 1 मोबाइल बनाने की टोटल कॉस्ट गई 100, 00, 200। तो बेटा बताओ मुझे एक एडिशनल मोबाइल बनाने के लिए एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी, सर एडिशनल कॉस्ट आपको 200 लगी। तो इसको बोला जाएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट, सर मार्जिनल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉस्ट। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ये वाला कॉन्सेप्ट दिमाग के ऊपर जा सकता है, ठीक है मैं पहले ही आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट दिमाग के ऊपर जा सकता है, क्योंकि CA इंटर में 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर है ये, प्राइवेट कॉस्ट, पब्लिक फाइनेंस, CA इंटर पेपर ग्रुप 2 पेपर 8 पार्ट B चैप्टर 2 पब्लिक फाइनेंस यूनिट 1। सर प्राइवेट कॉस्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझना पड़ेगा। सर एक ग्राउंड है, सर एक ग्राउंड के अंदर ये परीक्षा बैठी है बेचारी, ये बैठी हुई है परीक्षा, ठीक है एग्जॉस्टेड है, थक गई है, परेशान है, ठीक है दौड़ दौड़ के आई। सर ये हर्षिता है, अब मेरे को 2-3 नाम ही याद है, मैं क्या करूँ, हर्षिता छाबरा है ये, ठीक है हर्षिता छाबरा के पास एक कुत्ता है, ठीक है हर्षिता छाबरा ने कुत्ते को बांध के रखा हुआ है, भैया अच्छे अच्छा टाइम चल रहा है, और ये चक्रे काट रहे हैं, ला ला ला। सर चक्रे काट ही रहे थे, सर ध्यान देना स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, सर चक्रे काट रहे थे, इतनी देर में क्या हो गया, ये कुत्ते की रस्सी छूट गई, ला 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 ला, खून, कुत्ता लाल हो गया अपना, कुत्ता लाल हो गया, खून, कुत्ते ने किसको काटा, प्रतीक्षा ने किसको काटा, लड़की को काट लिया। सर अब एक बात बताओ, अब इसने ना जूम करके देखते, सर टांग काट ली इसने, काट ली टांग सर इसकी, अब कुत्ते ने इसकी टांग काट ली, क्या ये कुत्ते की टांग काटेगी, नहीं सर उसका स्कोप नहीं है, अपन मान लेते हैं सर कुत्ते ने इसकी टांग काटी,
क्या ये इस बात के पैसे लेगी? वो हर्षिता इसकी बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड है, कुत्ता उसको पसंद नहीं करता पर हर्षिता इसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो भैया ऐसा हुआ कि इसने इसके बदले कुछ पैसे नहीं लिए, पर ध्यान से सुनिएगा पूरा कॉन्सेप्ट, करेक्ट से बता रहा हूँ सर, किसी और की गलती के कारण किसी और को भुगतना पड़ा जिसके लिए मार्केट में कुछ पैसा भी नहीं पे किया गया। सर यहाँ पर कुछ एक ऐसी एक्टिविटी हुई है कि जिसके कारण किसी के कारण किसी को नुकसान हुआ, लेकिन उसके बदले उसने उसको प्राइस नहीं पे किया, इसको बोला जाता है बेटा प्राइवेट कॉस्ट। बेटा इससे ज़्यादा प्रश्न इसमें मत उठाना, क्योंकि अगर आप ये प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरा लगभग 2.5 आवर का, 2 आवर्स 30 मिनट्स का लेक्चर है, आप वो चाहे तो आराम से देख सकते हैं, यूट्यूब पर फ्रीली मैंने अवेलेबल करवा के रखा है सी एंटर के लिए। अब इतना ही समझना है सर, प्राइवेट कॉस्ट मतलब एक के द्वारा किया गया एक्शन दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाए या फिर फायदा पहुंचाए भी हो सकता है, उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो भैया फायदा पहुंचाए नुकसान पहुंचाए लेकिन उसके बदले कोई पैसा नहीं पे किया जाता है, तो इसको बोला जाता है प्राइवेट कॉस्ट। सर ये कॉस्ट प्राइवेटली इनकर हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। सर फायदा कैसे हो सकता है? फायदा देखो, फायदा भी हो सकता है। सर ये जो लड़की है ना यहाँ पे, ये गिटार बजा रही है, टंग 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 टंग। अब ये कुत्ते को भूल जाओ सर, कुत्ते को कुछ सेकंड के लिए भूल जाओ, कल बिचारी ये प्रतीक्षा, क्या नाम है जिसका, इसका पेपर है कल सर, कल इसका पेपर है सीए फाइनल का, और ये म्यूजिक सुन रही है सर, म्यूजिक इसके कानों तक पहुँच रहा है, टंग 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 टंग। सडनली सर इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, पर एक के द्वारा किए गए एक्शन दूसरे बंदे को बेनिफिट पहुंचा रहा है, पर इसके बदले इसने इसको कोई प्राइस नहीं पे किया, इसको हम बोलेंगे सर प्राइवेट कॉस्ट। तो सर क्रक्स क्या है प्राइवेट कॉस्ट का? सर प्राइवेट कॉस्ट के अंदर ना कॉस्ट ही, पैसा ही इन्वॉल्व नहीं रहता। तो आप बोलेंगे सर, सर आप बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता। गलत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पैसा इन्वॉल्व रहता है पर दिया नहीं जाता। सर यहां पर मुझे बताओ, कुत्ते ने इसको काटा, क्या ये डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या सीए फाइनल के प्रिपरेशन करते टाइम प्रतीक्षा सोच रही थी कि कुत्ता मुझे काटेगा या फिर ये मुझे गिटार सुनाएगी? नहीं सर, ये कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो सर अजीब से विचित्र सर्कमस्टांसेस हैं, ना ही इसके बारे में सोच सकते हैं, ना ही हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो चीज मैंने खो दी, एटलीस्ट मैं उसको डिसीजन मेकिंग में तो ला सकता था, ये कॉस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुत्ते ने इसको काटा, क्या डिसीजन लेगी वो गिटार बजा रही, ये क्या डिसीजन लेगी? रोज कुत्ते से कटवाऊं, खुद को ये डिसीजन रहेगा? नहीं सर। तो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, ये एक ऐसी कॉस्ट है जिसके लिए कोई प्राइस नहीं पे किया जाता, बट इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो बेटा, सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब होता है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। वन सेकंड गाइस, बेटा ये जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया ना, आई एम सो सॉरी, ये एक्सटर्नल कॉस्ट का कंसेप्ट है, कुछ नहीं, सेम चीज मैंने वहां पे प्राइवेट पढ़ लिया था और मैंने एक्सप्लेनेशन तुमको एक्सटर्नल का दे दिया, तो ये एक्सटर्नल कॉस्ट है। तो सर प्राइवेट कॉस्ट क्या है? प्राइवेट इज इक्वल्स टू आइदर इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। वापस से एक सेकंड, करेक्शन कर रहा हूं सर, प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट या फिर दोनों। और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है? सर वही जो मैंने आपको समझाया, एक्सटर्नैलिटी, ये बेसिकली एक्सटर्नल कॉस्ट। ऐसा मत समझो कि सर को नहीं आता, सर बहुत बड़े तूफान है इस चैप्टर के अंदर, मैं आपको बताता हूँ एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन, आपको समझ में आ जाएगा कि सर को सारी चीज़ें आती है। एक्सटर्नैलिटी मीन्स व्हेन द एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर आइदर ड्यूरिंग कंजम्पशन और प्रोडक्शन लीड्स टू कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑन कंजम्पशन फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन द मार्केट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटी। तो आपके सर को आता है, बिल्कुल ये मत सोचना, जस्ट वो मैंने वहां पे पढ़ा प्राइवेट कॉस्ट और मैं एक्सप्लेनेशन देने लग गया, बैक ऑफ द माइंड यही वर्किंग चल रही थी। तो ये जो मैंने आपको घटनाएं बताई सर, कुछ तो भी ऐसा हुआ जिससे सामने वाले को नुकसान या फायदा हुआ पर पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर प्राइस नहीं पे किया गया, तो इसको बोला जाएगा एक्सटर्नल कॉस्ट। तो सर प्राइवेट कॉस्ट क्या? बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट समझा आपको, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट समझा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन दोनों का टोटल कर लो, आपको मिल जाएगा प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट कर लो, आपको मिल जाएगा सोसाइटी को लगने वाली कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। इक्वेशन, एक्सप्लिसिट आउट ऑफ पॉकेट, इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी, दोनों का टोटल ले लो, या तो दोनों में से कोई एक भी रहती है कई बार, तो आपको मिल जाएगा प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट के अंदर सर एक ऐसी कॉस्ट ऐड कर दो जिसका मनी टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं, तुम अपने हिसाब से जजमेंट बेसिस पर लेकर आओ, जजमेंट बेसिस के हिसाब से लेकर आओ, उससे मिल जाएगा सोशल कॉस्ट।
और आप बोलोगे सर जजमेंट बेसिस पर तो कोई कुछ भी ला सकता है, अगर आप इंटर में जाएंगे तो वहाँ पे बताया है कि यही इसका ड्रॉबैक है कि एक्सटर्नल कॉस्ट को प्रिसाइसली मेजर ही नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट लाइक कंज्यूमर सरप्लस, सर वहाँ पे सेटिस्फैक्शन मेजर नहीं कर सकते, सर यहाँ पे हानि मेजर नहीं कर सकते, हानि बोला बेटा हानि नहीं, हानि यानी नुकसान मेजर नहीं कर सकते। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। स्ट्राइक द करेक्ट एंड इनकरेक्ट। रेंट पेड, बेटा रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, सैलरी एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोड फंड यूज इन द बिजनेस डैश कॉस्ट। बेटा पेड वड़ा है, पेड दिया सर अपन ने दिया, तो सर ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, इम्प्लिसिट नहीं। लैंड इज ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर, मैं ही खुद को देता हूं क्या पैसा, नहीं, ओन पीपल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, एंटरप्रेन्योर खुद ही प्रॉफिट, खुद का ही पैसा लगा रहा है, तो सर क्या वो खुद को इंटरेस्ट देता है, नहीं देता। अपने दुकान पे फैमिली वाले काम कर रहे क्या उनको सैलरी देता है, इनकम टैक्स पर्पस के लिए देता है, पर वैसे नहीं देता। खुद का लैंड यूज कर रहा हूं तो क्या मैं खुद ही को रेंट देता हूं, नहीं, फिर क्यों इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर मैं ये यूज नहीं करता तो किसी और को देता तो मुझे किराया मिलता, मेरे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या थी, गोडाउन में यूज नहीं करता किसी और को देता किराया आया तो मेरे को वो भी तो कंसिडर करना चाहिए। अब आप समझ जाएंगे सर ये इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, पर वो कुत्ते का काटना वो गिटार का बजाना इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सो दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ मैनेजेस द बिजनेस, सर खुद का बिजनेस खुद संभालना, प्रॉफिट लेकर जाना, खुद का बिजनेस खुद संभालना, प्रॉफिट लेकर जाना, इज इट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? ऑलवेज इम्प्लिसिट, ऑलवेज इम्प्लिसिट, खुद का बिजनेस खुद का प्रॉफिट ऑलवेज इम्प्लिसिट। सर मैं यहाँ तक आपको कोई क्वेरी है तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपकी क्वेरी ज़रूर लेना चाहूँगा, मेरा आज टारगेट बहुत बड़ा है, आप मुझे माफ़ करिएगा। मैं आपको बता दूँ ये चैप्टर को कंप्लीट होने में अभी से लगभग 1.25 घंटा तो लगना है, तो आप व्यर्थ की डाउट ना पूछिएगा आज। आज मैं अपनी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, सर माफ़ कर दो मुझे, लेकिन आज आप व्यर्थ की डाउट मत पूछिए। मैं चाहता हूँ यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आए तो आप मुझसे क्वेरी पूछिए, तब तक मैं चार्जर कनेक्ट करता हूँ। आई एम गिविंग जस्ट 2 मिनट्स, इररेलेवेंट क्वेरी पर मैं ध्यान भी नहीं देने वाला, कल करके टेस्ट वगैरह क्या होने वाली उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन चुका है बेटा। ding 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 ding। और सर वही तो हमने इकोनॉमिक कॉस्ट को पढ़ा था, बोल सकते हैं बेटा एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं इट इज इक्वेशन, इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट इकोनॉमिक कॉस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट? बोथ आर द समिशन। यस प्रेक्षा, कुत्ते ने जैसे ही आपको काटा आपको अक्कल आ गई, इट इज टीरू, इट इज ट्रू गाइस, थैंक यू। सर आज बीसी के कल बीसी का इकट्ठा 2 घंटा चैप्टर ले लूंगा, क्या होता है ना एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट स्विच करने में 45 मिनट्स वेस्ट होते हैं अपने, तो आज मैं 45 मिनट्स यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, कल 2 चैप्टर हो जाएंगे आपके, मतलब 1 चैप्टर हो जाएगा, 2 लेक्चर हो जाएंगे आराम से। थैंक यू जितेंद्र, आज बीसीके का नहीं है साधना, एंड साधना थैंक यू फॉर बींग कंटिन्यूस सपोर्टर, आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं मुझे समझ में आ जाता है उससे, थैंक यू सो मच, यू गाइज आर वंडरफुल। अभिनव काम हो गया कह रहे पूरा, ओ ओ पोट्टे, ए अभिनव तूने बना लिए क्या दोनों एमसीक्यू की फाइल, कंपाइल कर दी कि नहीं पहले वो बता। फाइलिंग ओन इनकम टैक्स रिटर्न इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? यस सर, अगर मैं नहीं फाइल करता तो कोई और फाइल करता। आई सेव्ड माय मनी, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड एक तरह से, यस यू आर एब्सोल्यूटली करेक्ट। चलने दो सर, ऑल क्लियर। नहीं नहीं मैं अभिनव पांडे साहब के लिए, हम पांडे साहब के लिए रुके हैं साहब, हम पांडे साहब के लिए रुके हैं, पांडे साहब हमको कुछ तो बताएंगे। पांडे साहब को काम दिया था हमने, पांडे साहब गजब का काम करते हैं, आपको तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, उफ्तलुल की तुफ्तलुल कर चुके हैं सर हम, माफ़ करना अगर मेरे को उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं आती, इधर उधर कुछ निकल जाए तो। सर वकल्लुफ के तकल्लुफ से हम बोलते हैं, पांडे साहब ने जो बारीकी से काम किया ना सेठ, कल आपको उनकी एडिटिंग पता चलेगी, बहुत बढ़िया काम करता है यार ये। हाँ सर एक पूरा हो गया, इको का कर रहा, ओ ओ कल इको किया सबसे पहले मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, मत कर रहे सेठ भाई, 11-12 बजे से पहले दे देना, मेरे को चेक भी करना है। सर जिन लोगों ने कभी बात भी नहीं करती आज सबको शेयर कर दिया लिंक,
सैल्यूट है, हेड्स ऑफ है, आप लोगों के कारण ही तो तुम सब लोगों के लिए गाना गा रहा हूँ मैं, तुम सब के लिए ना। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम सभी तो हो। व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। कल बेटा बवाल भौकाल मचाना है अपने को, ठीक है, भौकाल मचाना है अपने को, क्योंकि अपने को अब आगे से कॉल आ रहे हैं, हो सकता है अपने को और भी कुछ पर्क्स मिल जाए इस चीज़ के। आई एम अनुष्का फ्रॉम यूपी, थैंक यू। ओके सर, MTP क्वेश्चन नंबर 86, लग्जरी कार एंड लग्जूरियस होटल में कौन सा कंजम्पशन होगा? कौन लग्जरी कार एंड लग्जूरी होटल में कौन सा कंपटीशन? इनडायरेक्ट और नो कंपटीशन। ज़रा सोचो, लग्जरी कार और लग्जरी होटल में क्या ये सेम बिजनेस लाइन को बिलोंग करते हैं? नहीं, तो इसमें नहीं होगा कुछ। वाओ सर, वंस मोर, बाद मेरे BCK कब है जवाब दे दीजिएगा बाकी के लोग। सर आप मस्त गाना गाते हो। बेटा तुम लाइफ में इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हें फटेले बास की भी आवाज़ अच्छी लग रही है, ठीक है? अगर यही तुम मेरे को कहीं बाहर खड़ा कर दो, तुम्हारी लाइफ हैपनिंग रहेगी ना, तुम बोलोगे ये कौन सुनेगा इसको। तुम्हारी लाइफ इतनी झंड हो चुकी है इस समय कि तुम्हें फटेले बास की आवाज़ अच्छी लग रही है। इट्स हाई टाइम कि तुम एक प्रॉपर नींद लो। तो मेरी आवाज़ पसंद आ गई क्या रे? सर इफ़ इंक्रीज इन आउटपुट देन डिक्रीज इन, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इंक्रीज इन आउटपुट से डिक्रीज इन कॉस्ट हमेशा नहीं होता है। इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज में बाद में कन्वर्ट हो जाती है, एक लेवल के बाद इकोनॉमीज गेट कन्वर्टेड इनटू डिस इकोनॉमीज, तो वो अलग पॉइंट है बेटा। ओ हर्षिता, ओ मैडम मदद करो, कल अपना देखो जरा, करो मदद, वो बनाने MCQ, नहीं तो सर को मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा, रात भर सर सो नहीं पाएंगे। सर डेप्रिसिएशन कैन बी प्राइवेट कॉस्ट? डेप्रिसिएशन बेटा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, एक एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, इज डेप्रिसिएशन एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉन एक्सप्लिसिट कॉस्ट? बस एक जवाब चाहिए मुझे तुमसे सर, इज डेप्रिसिएशन एक्सप्लिसिट और नॉन एक्सप्लिसिट कॉस्ट? बस ये जवाब दे दो, मैं मान जाऊँगा। सर आप भी, आप सच्ची में अच्छा गाते हो। बेटा मुझे मेरे बारे में पता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान श्री कृष्ण भी साक्षात आकर बोल दे कि आदित्य तू अच्छा गाता है, नहीं नहीं होना, वो अपने से नहीं हो पाएगा, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सर नॉन एक्सप्लिसिट, बेटा नॉन एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट बोलो या इम्प्लिसिट बोलो? मैंने बोला एक्सप्लिसिट या नॉट एक्सप्लिसिट, यानी एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, ऐसा बताओ। सर हर जगह फैला दिया आपका पोस्टर, कल भीड़ देखना आप, कल तुम्हारे ऊपर है बेटा सब कुछ। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, इट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कुछ लोग बोलेंगे कि सर डेप्रिसिएशन, कुछ लोग बोलेंगे आपकी डेप्रिसिएशन इज सर नॉन कैश, इट इज़ नॉट नॉन कैश एक्सपेंडिचर। मैं आपकी आँखें खोलता हूँ, डेप्रिसिएशन मतलब क्या है बेटा? आपने एसेट खरीदा था 100 रुपये का, आप उसे हर साल 10-10 रुपये PNL अकाउंट में चार्ज कर रहे हो, तो कभी ना कभी तो खर्चा हुआ था ना बे सर, कभी ना कभी तो खर्चा हुआ था। अब आप तो सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए उसे अलग अलग डेट्स पे रिकॉर्ड कर रहे हो, टोटल खर्चा तो 100 रुपये था, 100 रुपये रिकॉर्ड करना ही है। सो इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट बट इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंडिचर फॉर दैट ईयर, सारा का सारा आपने पेमेंट पहले ही रिकॉर्ड कर लिया। एनी वेज यू गाइज आर रियली अमेजिंग। सर आपने ऑप्शन में दिया एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट, तो सारे पर ऑप्शन विल चूज, सारे पर ऑप्शन विल चूज बुक्स में आता है, यस। हाँ वो भी एक सबसे बड़ी बात है सर, इट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। पर कुछ लोग बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश नहीं है वो सर, उस साल खर्चा नहीं किया, पहले कर चुके हो आप, तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। एंड यू पीपल आर रियली अमेजिंग एंड आई लाइक यू पीपल अ लॉट, मुझे आप लोगों की शक्ल बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया, ये जो आपने काम किया है ना सर, मज़ा आ गया मेरे को, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे। चलिए सर आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आप लोगों में अपना बीता हुआ कल दिखता है। सर आप इतने भी पुराने नहीं हो, कुछ चीज़ें जा चुकी है ज़िंदगी से, जैसे मैं अभी फाउंडेशन वापस नहीं पढ़ सकता, मैं वापस से क्लासेस नहीं कर सकता, तो कुछ चीज़ें जा चुकी, तो मुझे तुम में दिखती है। आइए सर अपन कॉस्ट की बात करते हैं। अब अनडाइवर्टेड अटेंशन मेरी तरफ, लड़के लोग तुम मुझे दिशा पटनी समझो, लड़की लोग मुझे शाहिद कपूर समझो, सारा ध्यान मेरी तरफ होने दो। तुम्हें शाहिद कपूर नहीं है तो ये भी समझो कि तुम्हें शाहिद कपूर पसंद है, तुम्हें दिशा पटनी पसंद नहीं है तो क्या पसंद है रे तेरी पसंद, ऐसा समझो।
या कोई भी हीरोइन तुमको पसंद है, समझो सर मैं हूँ, मेरे चेहरे में तुम्हें वो दिख रही है, मैं हूँ आदित्य लेकिन तुम्हें मेरे चेहरे में वो दिख रहा है, इमेजिन करने की कोशिश करो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में तुम देखो, मैं वही हूँ जो तुम्हारा फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हो, सुनो मेरी बात, ये बात अगर समझ में आ गई सर भौकाल मचाई देंगे हम। आइए सर, सर मैंने ना सर मेरे को स्टील मैन्युफैक्चर करना है, करो सर, किसने मना किया? नहीं नहीं सुन तो लो मेरी बात, स्टील मैन्युफैक्चर करना है, क्या मेरे को जगह लगेगी, क्या मुझे लैंड लगेगा, भाड़े पर जगह लगेगी? यस सर आपको जगह लगेगी भाड़े पर, फिक्स कॉस्ट लगने वाला है सर आपको, 10 रुपये का फिक्स कॉस्ट लगने वाला है, इमेजिन करो सर महंगाई का जमाना नहीं, 10 रुपये पर सर, 10 रुपये का आपको फिक्स कॉस्ट लगने वाला है सर, बहुत महंगाई है, 10 रुपये लगने वाला है। ओके बट एक सिंपल सी चीज़ बोला, मैं 0 प्रोडक्शन करूँ, 1 प्रोडक्शन करूँ, 2 प्रोडक्शन करूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या हर केस में मुझे लैंड पे लगने वाला रेंट फिक्स रहेगा, टोटल रेंट फिक्स रहेगा क्या बेटा? मुझे बताओ एक सिंपल सी चीज़, क्या टोटल रेंट फिक्स रहेगा? आप अपने आप में हाँ बोलो, आप बोलोगे सर हमारे कमेंट थोड़ी रीड कर सकते हैं, हाँ क्यों बोले, बोलो ना हाँ, हाँ सर टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगा बेटा, तुम आउटपुट कितना भी प्रोड्यूस कर लो तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ऐसा आएगा कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लो टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या बोला मैंने, टोटल फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगा सर, सर टोटल फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन है। आइए ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट, अब मुझे स्टील बनाने के लिए, प्रोसेस्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या मुझे आयरन लगेगा? हाँ सर आयरन लगेगा। तो भैया अगर मैं 0 स्टील बना रहा हूं तो मेरे को कितना आयरन एज अ रॉ मटेरियल लगेगा? सर 0 लगेगा। सर अगर मैं 1 यूनिट ऑफ स्टील बना रहा हूं, अज्यूम करते हैं कि मुझे 10 रुपये लगेगा, 1 स्टील बनाने के लिए, 1 स्टील बार बनाने के लिए 10 रुपये लगने वाला है, 0 बनाऊंगा तो 0 वेरिएबल कॉस्ट, कोई रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, पर सर फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, वेट अ सेकंड, पर सर फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, पर अगर आप 0 प्रोड्यूस करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट 0 लगेगा। अच्छा सर मैं 2 बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करो, जैसे ही बेटा मैं 2 बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैं गया वेंडर के पास, मैं गया सप्लायर के पास और मैंने सप्लायर को बोला, सप्लायर सेट पिछली बार मैं 1 लेकर गया था रॉ मटेरियल, अब मैं 2 लेकर जाएगा, मेरे को कुछ डिस्काउंट देना। वो बोला जरूर, एक काम करो आप 9 रुपए के हिसाब से ले जाओ। ओ मैंने बोला थैंक यू। तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना गया बेटा 2 यूनिट के लिए? 18 रुपए। सर मैं फिर गया सप्लायर साहब इस बार मैं 3 बनाना चाहता हूँ, मुझे और डिस्काउंट दो ना। वो बोला बहुत बढ़िया, अब तू 8 रुपए के हिसाब से ले जा। तो मैंने बोला 8 3 24। वाव सर मैथमेटिक्स के लिए 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। वाव सर यू आर सो क्लेवर। फिर सर मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला सेठ मैं 4 यूनिट बनाएगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। बोला बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 7 रुपए के हिसाब से ले जा। मैं बोला थैंक यू, 7 4 28। सर मैं उसके पास अगली बार गया, बोला आ गया फिर जान खाने। मैंने बोला देख भाई तू हर बार 1-1 रुपए कम कर और कम कर। वो बोलेगा जान लेगा क्या मेरी, इस बार 60 पैसा ही और कम हो पाएगा, तू 6.4 के हिसाब से लो। लो कैलकुलेटर बेटा, लो कैलकुलेटर करो, 6.4 × 5 कितना आंसर आ रहा है? 32। सर अगली बार मैं वहां गया, ओ सप्लायर अरे 6 ले जा रहा हूं, इस बार थोड़ा और डिस्काउंट देना। बोला थोड़ा सा ही कम करता हूं, 6.33 रुपए लगा लूंगा। बेटा मेरे को भी तो एकदम फुकट थोड़ी आ रहा है, इंटू 6 टोटल हो गया 37.98 रुपीज 6 यूनिट के लिए। सर 7वें यूनिट के लिए मैं उसके पास गया, वो बोला बस अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैंने बोला चल ठीक है 6.33 के हिसाब से, नहीं नहीं अब मुझे समझ में आ गया, वो मन में सोचा है सप्लायर, मुझे समझ में आ गया तू पूरी तरीके से मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं थोड़ा रेट बढ़ाऊंगा। मैंने बोला कितना? वो बोला 6.57 रुपीज। मैंने बोला पिछली बार तो 6.33, बोला लेना है तो ले नहीं तो जा। मैंने बोला यार लेना तो है, मैंने ऑर्डर ले रखे हैं, तो उसने मेरे को रेट बढ़ा दिया 6.57। क्यों रेट बढ़ाया दोस्तों? उसने रेट इसलिए बढ़ाया क्योंकि उसको पता है अब मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूं, तो बेटा टोटल खर्चा आ जाएगा 46। आई होप यू आर एंजॉयिंग द एग्जांपल एंड यू आर गेटिंग इट। 46। सर अभी 8 यूनिट बनाने गए तो मैंने बोला अब तो रेट नहीं बढ़ाओगे? बोले मैं और बढ़ाएगा रेट। अब उसने रेट लगा दिया मुझे 7 रुपये, 7 8 56।
9 यूनिट लेने गया तो उसने और रेट बढ़ा दिया 7.55 इंटू 9, कितना रेट 68 रुपीज लगा दिया। सर कहने का क्या मतलब है, जब मैं जीरो प्रोडक्शन करूंगा या अनलिमिटेड कितना भी प्रोडक्शन करूंगा, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट है पर वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है। जितना ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा उतनी ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, जितना कम प्रोड्यूस करूंगा उतनी कम वेरिएबल कॉस्ट। पर सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती। आप इनिशियली जब ज्यादा क्वांटिटी बाय करते तो आपको डिस्काउंट देता है, लेकिन लेटर इकोनॉमीज गेट कन्वर्टेड इंटू डिस इकोनॉमीज। चलिए सर अब बेटा इसका टोटल कॉस्ट निकाल के बताओ, 10, 20, 28, 34, 38, 42, इसको अपन पढ़ कर लेते हैं 48, 56, 66, 78। तो ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। सर कैसे निकाला टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आइए सर अपन इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ट्रेंड देखूं तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट तो सर कांस्टेंट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सोचूं तो जब मेरा प्रोडक्शन जीरो रहता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो रहता है। तो भैया पहले मेरे को मिलती है इकोनॉमिक्स तो मेरी कॉस्ट गिरती है, लेकिन बाद में डिस इकोनॉमिक्स के कारण कॉस्ट बढ़ जाती है। सर ये ऐसा ग्राफ आता है। और सर टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ दो, ये लाइन और ये लाइन को जोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगी ये लाइन। तो दिस इज टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आई होप इट इज क्लियर, मैंने आधा तो तुम्हें चैप्टर समझा दिया। अब मुझे लगता है हमारा मैक्सिमम 40-50 मिनट्स में डन है। अरे खुशी खुशखबरी आई बेटा, हमने कर दिया तहलका। सर हमने क्या नाम रखा था हमारे क्विज का, किसी को याद है? कौन बनेगा इकोपति। अन अकेडमी ने नाम यूज कर लिया कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने हमारा नाम यूज कर लिया। इट्स रियली ग्रेट। एंड ओ भाई मारो मुझे मारो, अन अकेडमी ने भी प्राइज डिक्लेयर कर दिया आपके लिए। फ्री में एनरोल करिए 17 और 18 तारीख को, यानी कि कल मेरे साथ एनरोल करिए और अन अकेडमी ने कैश रिवॉर्ड रख दिया बेटा आपके लिए। एनरोल फॉर फ्री एंड अन अकेडमी इज ऑल्सो पेइंग यू कैश प्राइस ऑफ 1600 रैंक वन को और रैंक टू को। भाई मैं तो दे ही रहा हूँ अलग से, कौन बनेगा इकोपति, कौन बनेगा इको पत्नी, कौन बनेगा बीसी के पति पत्नी, प्लस प्राइजेस दे रहा था बेटा। नाम यूज़ कर लिया कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा नाम भी यूज़ कर लिया गया है और अब प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं बेटा। पावर पावर है सर, अपनी पावर है सर, तूफान है अपन, अंगार है अपन, अंगार है। सर हम अंगार हैं, खुशी मनाओ, ये सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं इतने बड़े इंडिया लेवल के प्लेटफॉर्म पे जो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है, वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आया है जो हमने बनाया है ये पिछले कुछ दिनों में। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो आइए बेटा ये ग्राफ देख लीजिए एक बार, फटाफट ग्राफ देख लीजिए। ये रहा टोटल फिक्स कॉस्ट, ये रहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा कभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसा भी रहता है, कई बार कर्विश भी रहता है। और ये रहा आपका टोटल कॉस्ट, ये कहाँ से स्टार्ट होता है सर, वो जहाँ से फिक्स कॉस्ट रहता है यहाँ से स्टार्ट होता है, पर मैंने आपको ऐसा कर्व वाला बताया, ठीक है, चेक कर लीजिए आप, आपका सर कभी गलत नहीं बताता आपको। स्ट्रेट लाइन भी होता है, कर्व भी होता है, पर कर्व हमारे लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आइए सर ये चैप्टर को यहीं पर अपन दफनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री ऑफ ग्राफ मैराथन इन दिस बैच, वी हैव क्रिएटेड अ लेजेंडरी कोर्स। तो आप लोगों में से कितने लोगों को खुशी होगी पता नहीं, बट आई एम सो हैप्पी। अब बात करते हैं बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट की। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो करिए बेटा 10 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट है वैसे तो वो, 10 डिवाइडेड बाय 1 10 10 डिवाइडेड बाय 2 5 10 डिवाइडेड बाय 3 3.33
2.5, 2, 1.33, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं यहाँ पे शेड्यूल की मदद ले रहा हूँ। तो बेटा हमने क्या क्या निकाल लिया था, टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया, टोटल कॉस्ट निकाल लिया था, सेम नंबर मैंने यूज किया। अब अपने को एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, अरे हाथ कहाँ गया, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, 10 डिवाइडेड बाय 3, 3.33, 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5, 2, 1.67, 1.43, 1.25, 1.11। कैन यू सी गाइज, देयर इज अ कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड मूवमेंट, है कंटिन्यूअसली गिर रहा है, 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.67, 1.43, 1.25, 1.11, कंटिन्यूअसली गिर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाऊं, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने जाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं ऐसा कंटिन्यूअसली गिर रहा है, बट इट कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज इफ टोटल इज नॉट जीरो, योर आंसर ऑफ एवरेज कैन नेवर बी जीरो। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, आइए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, सॉरी ये जीरो, 10 डिवाइडेड बाय 1, 10, 18 डिवाइडेड बाय 2, 9, 24 डिवाइडेड बाय 3, 8, 28 डिवाइडेड बाय 4, 7, 32 डिवाइडेड बाय 5, 6.4, 6.33, 6.57, 6, 7 एंड 7.5। नाउ ऑब्जर्व दिस ट्रेंड, सर 10, 9, 8, 7, 6.4, 6.3, सर यहां तक गिरा, उसके बाद बढ़ना चालू कर दिया, सर उसने बढ़ना चालू कर दिया। चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, अल्टीमेटली ग्राफ ही तो याद रखना है। सर ये गिरा और बाद में बढ़ गया, तो ये है मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। आइए सर इसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट निकालते हैं, इन दोनों का समेशन, 0 plus 0, 0, 20, 14, 11.3, 9.5, 8.4, 8, 8, 8.25 and 6. सो अगर अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो भैया ये पहले गिर रहा है, 20, 14, 11.3, 9.5, 8.4, 8, 8, 8.25, 8.67, सर गिरा 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 बढ़ गया, गिरा 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 सर बढ़ गया। ये ऐसा ग्राफ आएगा आपका एवरेज टोटल कॉस्ट। सर मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सर डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट। तो अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, कोई मुझसे ये मत पूछना सर मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल रहे हो, सर मार्जिनल कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट कैसे निकलेगा, 20 माइनस 10, 10, 28 माइनस 20, 8, 34 माइनस 28, 6, 38 माइनस 34, 4, 4, 6, 8, 10, 12। बेटा ट्रेंड ऑब्जर्व करो, ट्रेंड ऑब्जर्व करो सर, 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8, 10, 12। सर ये गिरा और गिर के बढ़ भी गया, पर आप इसके गिरने और बढ़ने में उतावलापन देखो। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कब तक गिरा, सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहां तक गिरा, उसके बाद बढ़ना चालू। सर एवरेज टोटल कॉस्ट कब तक गिरा, सर वो लगभग यहां तक गिरा और उसके बाद उसका बढ़ना चालू। और सर ये कब तक गिरा, सर ये सिर्फ यहीं तक गिरा और इसका बढ़ना चालू। तो सर सबसे बड़ा उतावला कौन, मार्जिनल कॉस्ट, गिरता भी जोर से बढ़ता भी जोर से, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं ग्राफिकल फॉर्मेट में उतार रहा हूं बेटा, जस्ट डू इट बिकॉज इट इज नाइकी, दिस इज कॉल्ड एस एमसी, एमसी माने मार्जिनल कॉस्ट, आई होप यू नो इट। तो मैंने पूरी तरीके से आपको पूरा का पूरा शेड्यूल ग्राफ पे उतार के दे दिया है सर, पूरा का पूरा मैक्सिमम आंसर यहीं से आने हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिया था टोटल का, दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज योर टोटल कॉस्ट, समटाइम इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, समटाइम इट कैन बी लाइक दिस, तो उसके अंदर ये नहीं रहता, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सर एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली गिर रहा है, आप शेड्यूल भूल जाओ, एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली गिर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है फिर बढ़ता है, सर फिर एवरेज टोटल कॉस्ट भी गिरता है और बढ़ता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट गिरता भी है बढ़ता भी, प्रोफेसर गिरता भी पहले है बढ़ता भी पहले, सर वो कौन है, वो है उतावला, सर वो गिरा भी पहले बढ़ा भी पहले। एक चीज और नोट करना, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट के मिड पॉइंट पे और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के मिड पॉइंट पे कट करता है, क्या भैया, मार्जिनल कॉस्ट भैया वो एमसी है,
वो एटीसी और एवीसी के बीच में से कट करता है सर, वो इनका ना इधर का छोड़ता है ना उधर का छोड़ता है, बीच में से काटता है, ये चीज याद रखिएगा सर। एक ग्राफ बन गया, अब इसको आप नमन करेंगे, शत शत प्रणाम करेंगे, थोड़ा फूल अर्चना आरती अर्पण दर्पण करेंगे और हम आगे के कॉन्सेप्ट में बढ़ने वाले हैं। मैं आपको समझा चुका हूं, बस यही ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आइए सर टोटल फिक्स कॉस्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अब देखो धपाधप कैसे चैप्टर कंप्लीट होता है। फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द आउटपुट। सर ये आउटपुट के हिसाब से वेरी कर थोड़ी करता है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, वो तो फिक्स्ड है। दे आर पीरियड रिलेटेड, पीरियड रिलेटेड मतलब सर 30 डेज रिलेटेड आपको रेंट देना, चाहे तू प्रोडक्शन कर नहीं कर। और सर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज प्रोडक्ट रिलेटेड, अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो लगेगी, नहीं करोगे नहीं लगेगी। वही फिक्स कॉस्ट का कैसा है सर, आप अगर 10 दिन के लिए ऑक्यूपाई करोगे तो 10 दिन का रेंट लगेगा, प्रोडक्शन कर ना कर, इट इज रिलेटेड टू टाइम, इट इज रिलेटेड टू पीरियड। अब बेटा ये मत पूछना शॉर्ट रन लॉन्ग रन, यहां मत घुसे शॉर्ट रन लॉन्ग रन को। दे आर टेकन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड नॉट आउटपुट, यानी कि सर जितना टाइम आप ऑक्यूपाई करोगे उतना आपको पे करना है, जितना आउटपुट ऑक्यूपाई, जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे उसके बेसिस पे नहीं लग रहा है। यानी अगर मुझे मोबाइल बनाना है तो रेंट तो फिक्स है, एक मोबाइल बनाओ 100 मोबाइल बनाओ, लेकिन रॉ मटेरियल तो वेरिएबल है, वो तो प्रोडक्ट पे प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। दे आर इनकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, याद रखिएगा टोटल फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट एंड वाइसा वर्सा। सर देखो ना मैंने बोला जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, जैसे जैसे आउटपुट कम हो रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है। सीधी बात है ना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट गिर रहा है, तो उल्टा बोलो जैसे जैसे आउटपुट कम हो रहा है एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है। एग्जाम्पल देती है आपको रेंट इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन। सर नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ज्यादा लगेगी, कम प्रोड्यूस करेगा कम लगेगी। इट इज नॉट पीरियड रिलेटेड कॉस्ट, इट इज प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट, सो इट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड नॉट टाइम। इट इज इनकर्ड ओनली व्हेन द प्रोडक्शन कमेंस, धंधा करेगा तो ही लगेगा, नहीं करेगा तो रॉ मटेरियल थोड़े लगने वाला है। वेरिएबल कॉस्ट आर अवॉइडेबल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट की बात करी थी। सर अवॉइडेबल कॉस्ट यानी कि जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्शन नहीं करना है नहीं लगेगी कॉस्ट, लेकिन प्रोडक्शन नहीं करना है तो भी फिक्स कॉस्ट तो लगने वाली है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट जनरली रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये लाइन आपने कट कर दी तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे केस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट नहीं आ रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट विच इज नथिंग बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे केस में क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कॉन्स्टेंट आ रही है, नहीं। तो सर नीचे क्या लिखा उन्होंने, जनरली, हमेशा नहीं जनरली। एग्जाम्पल दे दिया, फिर बेटा मार्जिनल कॉस्ट दे दिया। मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। तो वो सारी चीजें बता दी आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। नाउ कॉस्ट फंक्शन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द डिटरमिनेंट ऑफ कॉस्ट, डोंट रिमेंबर दिस डेफिनेशन एट ऑल, दिस इज नोवेयर यूज्ड इन योर एंटायर सिलेबस। मैं आपको इसका मीनिंग बता सकता हूँ, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन था, प्रोडक्शन फंक्शन वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। कॉस्ट फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड कॉस्ट ऑफ आउटपुट। आइए सर शॉर्ट रन में आते हैं। क्या आपको याद है सर शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं? अरे भूल मत जाना सर, शॉर्ट रन में हमारे पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहते हैं। अगर हमारे पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है सर, अगर हमारे पास कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट लगेगी, दैट मीन्स वी आर ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन। द पीरियड इन विच सम फैक्टर आर फिक्स एंड सम आर वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर है वेरिएबल कॉस्ट। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई, भूल मत जाना कल ही अपन पढ़ के आए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन का लॉ है। आइए सर टोटल फिक्स कॉस्ट देख लीजिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भगा नहीं रहा हूँ, ये चैप्टर में ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द गिवन फिगर बिलो इवन एट जीरो आउटपुट। सर अगर आपका आउटपुट जीरो है तो भी आपको फिक्स कॉस्ट कॉन्स्टेंटली लगने वाली है, अगर आपका आउटपुट कितना भी ज्यादा है तो भी आपको फिक्स कॉस्ट उतनी लगने वाली। अब आइए वेरिएबल कॉस्ट पे बेटा, वेरिएबल कॉस्ट यानी जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उतनी ज्यादा कॉस्ट, जितना कम प्रोड्यूस करेगा उतनी कम कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ज्यादा, कम प्रोड्यूस करेगा कम। इट हैज इनवर्स शेप एंड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बेटा ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सर अगर मैं जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करूंगा तो कॉस्ट भी तो जीरो लगनी चाहिए, इसलिए ओरिजिन से हो रहा है। और सर यहाँ पे अरे तो जीरो आउटपुट भी प्रोड्यूस करेगा तो भी देखो फिक्स कॉस्ट ही लगने वाली है, सो इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, दिस स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। द फिगर गिवन बिलो शोज दैट एज द आउटपुट इज जीरो द कॉस्ट इज जीरो एंड एज द आउटपुट इंक्रीजेस कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कुछ लोग इसको सेमाय बोलते हैं, सेमाय वेरिएबल कॉस्ट, सेमाय फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, सेमाय फॉर्मल,
सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर ये ना ही इधर का है ना ही उधर का है, सर इसका कुछ भी ईमान नहीं है, इसका कोई भी धर्म नहीं है, ना ही ये पूरी तरीके से फिक्स्ड है ना ही ये पूरी तरीके से वेरिएबल है, ये है सर सेमी वेरिएबल। इसको कुछ लोग सेमाय वेरिएबल बोलते हैं, समाय वेरिएबल या फिर समाय फिक्स, सेमी वेरिएबल बोलो या सेमी फिक्स बोलो, ग्लास आधा भरा है बोलो या ग्लास आधा खाली है ऐसा बोलो। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ज़रा उसको ध्यान से देखना, उसके अंदर फिक्स्ड मीटर चार्जेस भी रहते हैं, चाहे आप कंजम्पशन करो ना करो फिक्स्ड मीटर चार्जेस देने ही देने, और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ कंजम्पशन के बेसिस पर भी लगता है। तो अगर आपका घर अगर बंद भी रहेगा तो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, लेकिन आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करते हो फिर कंजम्पशन के हिसाब से भी बिल आता है। तो वो जो टोटल बिल रहता है, अगर उस टोटल बिल को हम ध्यान से देखें, पारखी नज़रों से देखें, सर एकदम जौहरी की नज़र से देखें, तो हमको पता चलेगा कि उस कॉस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट फिक्स्ड है, कुछ एलिमेंट वेरिएबल है। तो सर ये ना ही पूरी तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट है, ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट है, सर ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? सर नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टेप लैडर। सर स्टेप लैडर, सर मैंने ना एक क्लासरूम ली 40 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी की, तो मेरे पास 0 स्टूडेंट हो या 40 स्टूडेंट तक हो, मुझे एक क्लासरूम का भाड़ा पे करना पड़ेगा फिक्स्ड। पर सर जैसे ही 41 स्टूडेंट आ जाए, मुझे सडनली एक क्लास एक्वायर करनी पड़ेगी, सडन जंप इन कॉस्ट, दो क्लासरूम का रेंट पे करना पड़ेगा, लेट्स से 20,000, 20,000, 40,000। सर अब 41 से 80 स्टूडेंट तक मेरे को एक कॉस्ट लगेगी, जैसे ही 81 स्टूडेंट हो गए सडनली मेरी कॉस्ट 20,000 से बढ़ गई। सर अब ये 81 से लेकर 120 तक कांस्टेंट है, 120 के बाद सडनली बढ़ गए, तो सर ये क्या तुम्हें सीढ़ियों की तरह दिख रहा है? इसलिए इस कॉस्ट को स्टेप लैडर कॉस्ट बोला जाता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एज स्टेप लैडर कॉस्ट। सर स्टेप लैडर कॉस्ट, आई होप दिस मच इज क्लियर। मैं तुम्हें बराबर प्रॉपर टाइम पे देता हूँ। आइए सर, ये आ गया आपका एवरेज कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट का समेशन। दिस इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर ये डिप क्यों खा रहा है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज, पढ़ेंगे आगे। और सर ये टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। सर अगर आप जीरो आउटपुट भी प्रोड्यूस करेंगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, पर फिक्स कॉस्ट तो लगने वाला है ना, इसलिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इट कैन बी नोटिस दैट टी एफ सी इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। क्या बोला सर? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट बट रेट ऑफ इंक्रीज इज चेंजिंग। सर पहले आपको डिप मिलता है, सर डिप मिलने का मतलब क्या होगा? पहले आपको फायदा होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का, बाद में वो बोलते हैं कि आप कोई फायदा नहीं है, इकोनॉमीज इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू डिस इकोनॉमीज, अब वेंडर आपका फायदा उठाने वाला है। तो ये पहले फायदा मिलता है फिर नुकसान होता है, डिप। इनिशियली टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट बट आफ्टर सम टाइम इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। द बिहेवियर ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन है ना सर, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही आएगा। स्टार मार्क, टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन आउटपुट, चेंज इन टोटल कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर तूफान लाइन बोल दी। क्या बोल रहे हैं? कि जो टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ना, इसके पीछे एक ही मुख्य कारण है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने बोला क्यों? अरे भैया अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ भी रहा है तो टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, तो टोटल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। सर आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। मैंने पूछा क्यों? वो बोला आउटपुट बढ़ रहा है। मैंने बोला अच्छा, आउटपुट बढ़ने से आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है। ओके, तो भैया मैंने पूछा टोटल कॉस्ट, सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं, आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। मैंने बोला अरे टोटल कॉस्ट तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकलता है, टोटल कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट है फिर भी ये बढ़ रहा है। सर ऐसा समझो, ये है पप्पा, पप्पा के दो बच्चे, एक का नाम है फिक्स्ड और एक का नाम है सर वेरिएबल। पप्पा के अकाउंट से ना पैसा खर्च होते जाता है, सर खर्चा बढ़ते जा रहा है पप्पा के अकाउंट में। तो उन्होंने एनालाइज किया, अरे भैया ये जो मेरा फिक्स्ड नाम का बच्चा है ना सर, ये तो फिक्स खर्चा कर रहे हैं, तो इसके कारण तो खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, फिर खर्चा बढ़ क्यों रहा है? उन्होंने को पता चला सर ये वेरिएबल कॉस्ट के कारण, सर नलायक बच्चा है ये, जैसे आउटपुट बढ़ता है इसका खर्चा भी बढ़ता है। टोटल फिक्स कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, पता है आपको। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अपवर्ड स्लोपिंग, पहले फ्लैटर रहता है सर, ऐसे डिप मारता है बाद में स्टीपर बढ़ता है। फ्लैटर यानी कि सर कम कॉस्ट लगती है फिर एकदम बढ़ती है। टीवीसी इज अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। सर देखो टोटल कॉस्ट इज अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से शुरुआत करी, तो इस पर 1000 पॉइंट बना सकते हो, 1000 तो नहीं सर 20-30 पॉइंट बना सकते हो।
सर ये जैसे ही एवरेज का ग्राफ खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको समय देता हूँ समझने के लिए, ठीक है? शॉर्ट टर्म में आइए, एवरेज कॉस्ट, मैंने आपको एवरेज कॉस्ट बताया था। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है समझो, मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है। कैसे निकलेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा बेटा, याद करो, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट इज कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैंने आपको बताया था इट कैनॉट बी जीरो एंड इट इज नेवर यू शेप कर्व, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। किसने बोला? रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। कौन बोला? रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। बोले तो क्या बोला सर? मैंने बोला रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। क्या बोला? ये है सर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। अच्छा सर समझा हमें, क्या बोला आपने? आपने बोला रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। हाँ मैंने बोला रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, तो ये रहा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। सर ये ऐसा रहता है, गली में आज चांद निकला, सर चांद के शेप का रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट याद रखियो, सर ये पहले गिरता है फिर बढ़ता है। सर ये गिरता क्यों है? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सर ज्यादा प्रोडक्शन करने का फायदा, पर एक लेवल के बाद फायदा नुकसान हो जाता है। याद रखना बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, चाहे आपको प्यार हो, चाहे आपको खाना हो, चाहे आपको नींद हो। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सर ये पहले गिरता है, मैक्सिमम मिनिमम पे पहुंचता है, मैक्सिमम नहीं बेटा गिर रहा है, मिनिमम पे पहुंचता है फिर बढ़ता है। सर क्या ये यू शेप है? हाँ सर ये यू शेप है। सर ये रहा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर अभी ये देखिए, ये रहा आपका एवरेज टोटल कॉस्ट। सर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको ये मिलेगा। सर ये कैसा है? सर ये पहले गिरता है, मिनिमम पहुंचता है, फिर बढ़ता है, फिर से ये यू शेप है। कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। पढ़िए सर, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, फॉर्मूला दे दिया है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या फिर इन दोनों का समेशन, वो भी मैंने बताया। सर ये पहले गिरता है, मिनिमम पहुंचता है और फिर बढ़ता है, ये हमेशा यू शेप होता है। सर मार्जिनल, जस्ट डू इट। सर मार्जिनल बोले तो जस्ट डू इट। सर ये उतावला छे, ये गिरता भी जोर से है, पाछे बढ़ता भी जोर से। पाछे वर्ड मैंने सही जगह यूज किया है नहीं मुझे पता नहीं। सर ये गिरता भी जोर से है और सर बढ़ता भी जोर से है। पता नहीं कौन सा बच्चा कौन से वीडियो को लाइक करता है, यहाँ पे तुम एक भी वीडियो लाइक करते हो मेरे को नोटिफिकेशन आते हैं, मेरे को लगा पता नहीं क्या बोल रहे पोट्टे। बापरे बापरे बापरे, इतने 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 इम्पोर्टेंट कॉल आया आज मुझे, मुझे मालूम ही नहीं था सर मारी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ी गई। सर मारी इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ी गई बेटा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग तरीके से शिद्दत से शांति से खुद को डेडिकेट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिलेंगे दोस्त। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऐसा वैसा नहीं है। सर मैं टॉप फोर में आ चुका हूँ, आपको पता है, टॉप एडुकेटर्स में आ चुका हूँ। सर आप लोगों की बदौलत, आपकी कृपा से हम आ चुके हैं टॉप एजुकेटर में। सर टॉप चार के बड़े टीचर है उसके अंदर आया हूँ मैं, आप लोगों की कृपा से मैं छोड़ूंगा नहीं आपका साथ, याद रखना। सर मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है? टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट, यही दे रखा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। सर एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। सर बहुत सारे फॉर्मूले दे दिए, आप कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज़, मैं आपको बता देता हूँ, मैं नहीं चाहता आपका एक भी मार्क्स जाए। सर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? सर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मुझे अभी बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक पप्पा उसके दो बच्चे, तो पप्पा का खर्चा क्यों बढ़ रहा था? सर पप्पा का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट के कारण बढ़ रहा था, यानी पप्पा को एडिशनल खर्चा लग रहा था। तो क्या मैं एडिशनल खर्चे को एडिशनल कॉस्ट बोल सकता हूँ? यस सर। क्या मैं एडिशनल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोल सकता हूँ? यस सर। सो आई कैन से मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट मुझे क्यों लगती है? सर मुझे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के कारण लगती है। इसलिए इसका फॉर्मूला कई बार चेंज इन टोटल कॉस्ट लिखा जाता है, कई बार चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट लिखा जाता है। सर ये भी यू शेप कर्व होता है। आइए सर, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज AFC AVC गुहार दो, ATC से ना डरे और MC से भी ना डरे, तुम जाके ये दहाड़ दो,
आरंभ है प्रचंड। सर ये ध्यान रखियो कि ये जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ये एवरेज टोटल कॉस्ट के मध्य से कट करता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी मध्य से कट करता है। सर ये देखिए आरंभ प्रचंड, आरंभ की शुरुआत कर चुके हैं सर हम। आई नो सम ऑफ यू माइट बी टायर्ड बट बेटा इट इज गोइंग टू पे यू ऑफ। ये चीज तुमको बहुत दिक्कत जाने वाली लाइफ में। सर बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग। सर बता रहे हैं ध्यान दीजिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग बट जीरो नहीं होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली गिरता है सर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली गिरता है इकोनॉमिक्स के कारण, फिर बढ़ना चालू कर जाता है। एवरेज टोटल कॉस्ट भी सर इनिशियली गिरता है फिर बढ़ना चालू कर देता है। मार्जिनल कॉस्ट भी इनिशियली गिरता है फिर बढ़ना चालू कर देता है। द पॉइंट एट विच ए टी सी इज मिनिमम, सर ध्यान दीजिएगा ए टी सी मिनिमम किधर है। सर ए टी सी एवरेज कॉस्ट मिनिमम कहां पर है, सर यहां पर है, वहां पर एमसीयू से कट करता है। सर जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता था, सर क्या बोले आपने ऊपर देख लिया। सर जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता था मार्जिनल प्रोडक्ट ऊपर से कट करता था। सर जहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम है मार्जिनल कॉस्ट नीचू से कट कर रहा है सर उसको। सर कॉस्ट है तो नीचे से कट करेगा, प्रोडक्ट है तो ऊपर से कट करेगा। ऊपर से कट करता तो मैक्सिमम पे, नीचे से कट करता तो मिनिमम पे। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमने जो शेड्यूल बनाया वो बोल रहा है। मैं आपको सिर्फ याद करने के तरीके दिखा रहा हूँ। याद है आपने बनाया था सर वो एवरेज प्रोडक्ट, ये उतावला मार्जिनल प्रोडक्ट उसको काटता था। तो सर मार्जिनल प्रोडक्ट उसको प्रोडक्ट को ऊपर से मैक्सिमम पे काटता था, कॉस्ट इसको नीचे से मिनिमम पे काटती है। सर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिकॉज ए एफ सी इंटू क्वांटिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। चलो इन्होंने एक चीज बोल दी, याद रखना एवरेज फिक्स कॉस्ट इंटू क्वांटिटी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसने बोला, इन्होंने बोला, मैंने बोला नहीं बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आइए सर रिलेशनशिप देखते हैं, कुछ रिलेशनशिप देखते हैं। मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करवाने के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक दूंगा, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। आज मैं रेवेन्यू के दो पेज भी कंप्लीट करके जाऊंगा। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो, सर आप ऐसा पाप क्यों कर रहे हो। चलिए मैं आपको मेरे प्लान्स भी बता दूं। आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक छुट्टी मिलने वाली है मेरी तरफ से, मंडे टू फ्राइडे। सर मेरा शक्ल नहीं देखेंगे आप। मंडे टू फ्राइडे मैं जा रहा हूँ हाइबरनेशन में, यानी कि सर मैं जा रहा हूँ गुफा में। सर बाबा जी की गुफा नहीं, बाबा जी की गुफा नहीं, मैं मेरे कमरे में एक नया मटेरियल बना रहा हूँ। अब तो जानते हैं मैं इनोवेशन कितने सारे करता रहता हूँ, तो मेरे माइंड में एक आइडिया है इनोवेशन आएगा। सर हम क्या करेंगे, आप हमें से बीच मझधार में क्यों छोड़ के जा रहे हो। नहीं, पुराना बैकलॉग क्लियर करो, जितने लेक्चर है सारे के सारे देखो। मैं डेली रिमाइंड करूंगा, डेली बात करूंगा, डेली सारी क्वेरी क्लियर करूंगा। फ्राइडे हो गया बेटा, सैटरडे से अपन शुरुआत कर देंगे चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर नंबर 6 ऑफ बीसी के। पुराना सब हो जाएगा, टेस्ट भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। सैटरडे तक सब पढ़ा भी रहा हूँ, सैटरडे तक टेस्ट भी ले रहा हूँ। 5 दिन गायब रहूंगा, बाकी के 3 चैप्टर करवा दूंगा, फिर उनकी भी टेस्ट ले लूंगा। मंथ एंड पहुंच जाएगा और आपको एमसीक्यू बुक भी आ जाएगी, लेकिन इस बार की एमसीक्यू बुक बहुत अलग आने वाली है। तो मैं 5 दिन गायब हूँ, मैं यही हूँ, यूट्यूब लाइव आया करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। पुराना बैकलॉग क्लियर करना है आपने, तो इसलिए आज मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ, कल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसके बाद आपसे ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं आपको वादा करता हूँ कल भी 2 घंटे में हमारा चैप्टर 5 हो जाएगा। आइए सर रिलेशनशिप देखते हैं, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिश्ता। सर एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, सर ये रही एवरेज कॉस्ट और ये रही मार्जिनल कॉस्ट, इनके बीच का रिश्ता सर ये त्रिशूल का रिश्ता। व्हेन एसी फॉल्स एमसी इज लेस देन एसी, बेटा एसी फॉल कहां तक हो रहा है। सर एसी यहां से यहां तक फॉल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा एसी यहां से यहां तक फॉल हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं, हाँ सर आप कुछ भी कहिए, क्या मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक एसी बड़ा है एमसी छोटा है। हाँ सर आप कह सकते हैं। अब ध्यान देना उल्टा, सर जब एसी बढ़ता है, यानी सर यहां से लेकर यहां तक की कहानी, जब सर एसी गिरता है एमसी नीचे है, जब एसी बढ़ता है तब एमसी ऊपर है उसके। सर कभी भी चेक करना, प्रोडक्शन में बिल्कुल उल्टा है, जब एपी बढ़ता है एमपी ऊपर है, एपी बढ़ता है एमपी ऊपर है, एपी गिरता है एमपी नीचे। सर यहां पर उल्टा, सर यहां पे एमपी नहीं, एसी गिरता है एमपी नीचे, एसी बढ़ता है एमपी उसके ऊपर, एमसी उसके ऊपर है। एसी गिर रहा है, तुम देखो ना बेटा यहां से यहां तक गिर रहा है, यहां से यहां तक कंपेयर करो एमसी हमेशा नीचे है, और यहां से यहां तक कंपेयर करो एमसी हमेशा ऊपर है। आई होप इट इज क्लियर। व्हेन एसी फॉल्स
एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट MC इज लेस देन AC व्हेन AC इज मिनिमम. बेटा जब AC इज मिनिमम रहता है MC और AC का मिलन हो जाता है. मार्जिनल प्रोडक्ट में उल्टा, जब वो मैक्सिमम रहते हैं मिलन होता है. सर प्रोडक्शन में मैक्सिमम पे मिलन, यहाँ पे कॉस्ट पे मिनिमम पे मिलन. MP कर कट्स AC एट मिनिमम. व्हेन AC इंक्रीजेस, जब AC बढ़ता है तो MC बढ़ता है, पर सर जोर से बढ़ता है, ग्रेटर देन AC. सर अनलिमिटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं उसके हेल्प से, तो आप घबराइए मत. अब रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. सर एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट मेरे साथ करते जाइए, मैं आपको लॉन्ग रन पंडित जी वाला कर्व से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. आपको फटाफट पंडित जी से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, फिर आपको मैं दूंगा 10 मिनट का ब्रेक. मैं फिर आऊँगा, मैं आऊँगा. आप मेरे को छोड़ कर नहीं जा सकते, आपको लेक्चर करना ही होगा. आई नो बहुत सारे लोग दम तोड़ देंगे, कोई बात नहीं सर, तुझे तो करना है, आगे बढ़ना है. सर अब रिलेशन निकालना है एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट का. निकाल लिया ना भैया, कितनी बार निकालेंगे, अभी तो निकाला. फिर से सर उनका रिश्ता, फिर से निकाल रहे हैं रिश्ता. चलिए बताओ क्या रिश्ता निकाल रहे हो. इनिशियली ATC एंड MC बोथ डिक्लाइन विद इंक्रीज इन आउटपुट. सर इनिशियली दोनों गिर रहा है, देखो ये भी गिर रहा है ये भी गिर रहा है, पर जब तक एवरेज कॉस्ट गिर रहा है तब तक मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे. इन दिस सिचुएशन एवरेज कॉस्ट इज मोर, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस. ATC इज मिनिमम, जब ATC मिनिमम रहता है तब ATC और MC इक्वल होते हैं. ATC एंड MC बोथ इंक्रीजेस, सर जब दोनों बढ़ते हैं, जब ये ATC इंक्रीज हो रहा है तो MC उसके ऊपर चला गया, उतावला है ना सर वो. AC इज डिक्रीजिंग, बेटा ये ध्यान देना, ये पॉइंट पे ध्यान देना. When AC is decreasing, बेटा AC decrease हो रहा है, AC यहां से यहां तक decrease हो रहा है, यहां से यहां तक decrease हो रहा है. तुम देखो जब तक AC गिर रहा है, average total cost गिर रहा है, MC ने गिरकर बढ़ना भी चालू कर दिया. क्यों सर उतावला है? अरे AC वहां से यहां तक गिर ही रहा है, अब तक ये गिर के बढ़ना भी चालू कर दिया. When AC is decreasing, MC may be decreasing or increasing. When AC is increasing, बेटा आप चेक करो, जब AC इंक्रीज हो रहा है, जब AC इंक्रीज हो रहा है तो क्या कंपल्सरीली MC भी इंक्रीज हो रहा है? यस सर. समराइज करो वापस से. सर जब AC गिर रहा है तो MC गिर के बढ़ना भी चालू कर देता है, लेकिन सर जब AC बढ़ता है तो MC कंपल्सरीली बढ़ता है. जब AC गिरता है तब MC उसके नीचे है, जब AC बढ़ता है MC उसके ऊपर है. फिर से वो उसके मिड पॉइंट पे कट करता है. चलिए मैं आपसे यहाँ तक की क्वेरीज लेता हूँ 5 मिनट में, फिर मैं लॉन्ग रन पंडित जी का कर्व सुनाता हूँ. या फिर एक काम करिए, मेरे को पंडित जी वाला कर्व सुना लेने दीजिए, 5 मिनट की कहानी, फिर मैं आपको ब्रेक भी दूंगा और आपकी क्वेरीज भी लूंगा. फिर आप लोग 10:45 वापस आ जाइएगा, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा. सर ध्यान से सुनिएगा, सर लॉन्ग रन की बात करते हैं. अब आप रिकॉल करेंगे लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या होता है. सर कर रहा हूं. सर लॉन्ग रन मतलब वो पीरियड ऑफ टाइम रहता है जब आपके पास कोई भी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहता, सारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं. वेरी गुड. सर लॉन्ग रन में आपके पास ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं. हाँ सर, तभी तो आप लॉन्ग रन में. तो अगर आपके पास वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो आपको कॉस्ट कौन सी लगेगी? सर मुझे वेरिएबल कॉस्ट ही लगेगी. सर क्या आपके पास फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? अरे भाई पाप करवाओगे क्या लॉन्ग रन में ऑपरेट करें? ना बाबा ना, लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता. अच्छा, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता मतलब फिक्स कॉस्ट भी नहीं होगी? नहीं होगी. सर अगर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो फिक्स कॉस्ट ही नहीं होगी. ठीक है सर, यानी नो फिक्स कॉस्ट. आपको पता है बेटा टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सर ये तो रट गया, मेरे खून को काटो, मेरी हथेली को काटो, खून में से WBC RBC भी निकलेंगे और साथ ही साथ सर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट भी निकलेगा. अच्छा मैंने बोला ठीक है. अगर बेटा तू लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहा है तो क्या तेरे पास फिक्स कॉस्ट है? सर पाप चढ़ाओगे क्या? लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो फिक्स कॉस्ट ही नहीं है. ये तो है ही नहीं. तो क्या मैं कह सकता हूं लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट? हाँ सर, आपको आपकी मर्जी. तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? हाँ सर, आप कहो.
तो क्या मैं कह सकता हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व और एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व एक ही रहेगा? हाँ सर, अब समझ में आया आप क्या कहना चाहते हो। बेटा लॉन्ग रन के अंदर आपके पास फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं। अगर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं तो फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी, फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगी तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी नहीं लगेगी। और आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन आपके पास तो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं, तो फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? यानी सर दोनों का ग्राफ एक ही है, सर यही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यही एवरेज टोटल कॉस्ट है। सर समझ गए? सर मतलब क्या किया आपने, ऊपर वाले ग्राफ में ये दोनों है ही नहीं, यही फिक्स कॉस्ट सर, यही वेरिएबल कॉस्ट है, यही टोटल कॉस्ट है। पहले दोनों अलग अलग क्यों थे? क्योंकि आपके पास तब फिक्स कॉस्ट रहता था। आई होप यू गॉट इट गाइस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़े चलो सर, बड़े चलो। इतना मज़ा कभी नहीं आया, इतना फास्ट हमने चैप्टर आज तक जिंदगी में नहीं किया। अब बेटा मेरी बात सुनो, अभी तो असली क्रक्स बाकी, आप पंडित जी से मिलेंगे। सर हुआ यूँ, ध्यान से सुनेगा, दो मिनट इंटरेस्टिंग कहानी है। सर एक बार हुआ यूँ कि पंडित जी आए, सर पंडित जी आए, पंडित जी आए, पंडित जी ने बोला जजमान बैठिए, जजमान बैठिए। मैंने बोला हाँ जी पंडित जी, लेकर आए इस बार स्टॉक? हाँ। बोले सर स्टॉक लेकर आए हैं हम आपके लिए, फोटो लेकर आए हैं, सुकन्याओं की लेकर आए हैं सर, फोटो लेकर आए हैं हम आपके लिए, बहुत सारी कन्याओं की फोटो लेकर आए। मैंने बोला चलिए सर पंडित जी पोटली खोलिए। पंडित जी ने बेटा पोटली खोली, पंडित जी की पोटली। पंडित जी ने पहली लड़की दिखाई, सर सुंदर, अति सुंदर, सुशील नहीं थी, होता है सर। सर दूसरी लड़की कम सुंदर पर थोड़ी सुशील। सर तीसरी लड़की सर एकदम खतरनाक निकली, सर डॉन की बेटी। सर चौथी लड़की सुंदर भी सुशील भी। सर पांचवी लड़की सुशील है, सुंदर नहीं है। मैं किसी को शेमिंग नहीं कर रहा, बॉडी शेमिंग वगैरह नहीं कर रहा, अपन ने तो उस लड़की को देखा भी नहीं, अपन जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। सर सिमिलरली अलग अलग लड़कियां दिखाई सर। तो पंडित जी लड़कियों के सप्लायर नहीं, आप गलत मत समझो बेटा, पंडित जी अलग अलग लड़कियों की फोटो और कुंडलियां लेकर आए कि कोई मांगलिक है, किसी का शनि भारी है सर, किसी का मंगल भारी है, किसी का बृहस्पति नहीं हिल रहा सर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई सुंदर है तो कोई सुशील नहीं, कोई सुशील है तो सर सुंदर नहीं। मैंने बोला पंडित जी शादी तो करनी है, लड़की चाहिए सुंदर भी सुशील भी, एक काम करो दो लड़कियां से करवा दो शादी। पंडित जी बोले ना, हिंदू शास्त्र के हिसाब से आप एक ही लड़की चूज कर सकते हो। ओहो, मैंने बोला पंडित जी फिर इतनी लड़कियां क्यों दिखा रहे हो? पंडित जी ने एक ही बात कही मुझसे, पंडित जी ने एक ही बात कही, बेटा ये जो मैं तेको पोटली दिखा रहा हूं तुझे इसमें से एक ही चूज करनी है। मैंने बोला साहब आपकी ये पोटली बनी कैसे? वो बोले मैंने इतनी सारी लड़कियों की इसमें फोटो डाली और मेरी पोटली तैयार हो गई। बेटा आधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है बेटा, ये LAC कर्व है। LAC कर्व कुछ नहीं है, ये इनफाइनाइट छोटे 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 SAC कर्व से बनता है। तो जब एक फ्री हैंड कर्व टेंजेंशियली इनफाइनाइट SACs को कट करके जाता है तो बन जाता है हमारा सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। सो सर इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, ये तो इन सबका समेशन है, ये तो एनवेलप कर्व है सर, ये प्लानिंग कर्व जोड़ता है। पर साहब शादी तो एक ही लड़की के साथ करनी है तो मुझे चूज करना पड़ेगा, मुझे इस प्लानिंग में से एक प्लांट चूज करना पड़ेगा। सर प्लानिंग कर्व में से प्लांट चूज करना पड़ेगा, पर बेटा मैं लॉन्ग रन में हूं, मेरे पास प्रिविलेज ये है कि मैं चाहे तो ये लड़की भी चूज कर सकता हूं, चाहे तो ये, चाहे तो ये। कहने का मतलब क्या है, पंडित जी ब्रॉट द प्लानिंग कर्व एंड विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग कर्व आई कैन चूज ओनली वन प्लांट कर्व। तो सर मुझे एक प्लांट कर्व चूज करना है। सर एक मजे की बात बताऊं, आप जब चाहे प्लांट बदल सकते हो पर रियल लाइफ में नहीं कर सकते। सर यहां पर आपको एक टाइम पर एक प्लांट के साथ रहना है, लेकिन सर आप फ्यूचर में जाके कोई दूसरा प्लांट भी ले सकते हो, अग्गू का, पिच्छू का, सर कोई भी प्लांट ले सकते हो आप। सर रियल लाइफ में लड़कियों के साथ एप्लीकेबल नहीं है ये, तो मत करना लड़कों, नहीं तो तुम बोलोगे सर पंडित जी लड़कियों का पोर्टफोलियो लेकर आए, पंडित जी प्लानिंग कर्व लेकर आए, उसमें से हमें एक खादा प्लांट चूज करना है, कभी भी कैपेसिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते। बेटा वो रियल लाइफ में प्लांट में होता है, लड़कियों के साथ मत करना, शादी एक ही बार होती है 7 जन्मों के लिए, तो बेटा ऐसी चूज करना जो 7 जन्म चले। तो ये LAC कर्व कुछ नहीं है सर, ये इनफाइनाइट SAC कर्व का समेशन है सर, उनको एक टेंजेंशियली फ्री हैंड कर्व कट करके जाता है। अब मेरी बात पे ध्यान देना बेटा, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है SAC, पहले वाले SAC का मिड पॉइंट ये, क्या इसके मिड पॉइंट पे कट कर रहा है? नहीं, वो उसके फॉलिंग पोर्शन पे कट कर रहा है। सर ये इसका मिड पॉइंट यहां पर, ये इसके मिड पॉइंट पे कट कर रहा है? नहीं सर, ये भी इसके फॉलिंग पोर्शन पे कट कर रहा है, फॉलिंग पोर्शन पे कट कर रहा है।
सर यहां पर चेक करना है, इसके राइजिंग पोर्शन पे कट कर रहा है, ये इसके राइजिंग पोर्शन पे, ये भी इसके राइजिंग पोर्शन पे कट कर रहा है। सर जब एलएसी कर बनता है ना, वो जब एलएसी गिरता है तो एसएससी के फॉलिंग पोर्शन को कट करता है, और जब एलएसी बढ़ता है वो एसएससी के राइजिंग पोर्शन को कट करता है। अब आपका सवाल आएगा सर ये एलएसी गिरता क्यों है, बेटा एलएसी का वर्ड को खोलो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो बेटा जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन एक लेवल के बाद इकोनॉमीज गेट कन्वर्टेड इनटू डिसइकोनॉमीज, एडवांटेज बन जाते हैं डिसएडवांटेज, आपको पहले जो फायदा चीज पहुंचा रही थी वो नुकसान पहुंचाती है। तो इस कर्व को मैंने आपको याद रखने के बहुत तरीके बता दिए सर, वापस से सुनना, इट इज कॉल्ड एज एनवेलप कर्व, इट इज कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलएसी कर्व। प्लानिंग कर्व, एनवेलप कर्व, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, कैसे बनता है? इनफाइनाइट एसएससी को एक कर्व स्मूथली टेंजेंशियली कट करके जाता है, स्मूथली एनवेलप करता है और बन जाता है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। सो इस बार प्लानिंग कर्व आपको ये नहीं बोलता कि सारे प्लांट पे ऑपरेट करो, वो बोलता है तेरे को ज्यादा प्रोडक्शन करना है, बेटा तेरे को ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए इस प्लांट पे ऑपरेट कर, तेरे को कम प्रोडक्शन चाहिए इस प्लांट पे ऑपरेट कर, मीडियम प्रोडक्शन चाहिए इस प्लांट पे ऑपरेट कर, लेकिन प्लांट एक ही चूज करना। हाँ ये बात अलग है, लॉन्ग रन में मैं जब चाहे प्लांट कम ज्यादा कर सकता हूँ, बट वन थिंग एट अ टाइम, एक टाइम पर एक ही चीज। अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलएसी कर्व एसएससी के फॉलिंग पोर्शन को कट करता है जब वो नीचे गिर रहा है, और राइज करते टाइम राइजिंग पोर्शन पे कट करता है। फॉल करता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज, फायदे होते हैं ज्यादा प्रोडक्शन के, लेकिन सर और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो फायदे के नुकसान होना चालू हो जाते हैं। सो दिस इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये चीज मैंने आपको बता दी है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिनोट्स एलएसी कर्व, डिपिक्ट्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन आउटपुट। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल और फिक्स कुछ अलग अलग नहीं रहता, सारे के सारे वेरिएबल रहते हैं, ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। एवरेज कर्व्स कैन नॉट बी हायर देन एवरेज कॉस्ट, कैन बी हायर इन लॉन्ग रन देन इन शॉर्ट रन, दस एलएसी इज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी पर्टिकुलर आउटपुट लेवल। इस लाइन को अंडरलाइन करो, मैं समझाता हूँ, सिर्फ ये छोड़ दो, LSE is the least cost combination for any particular output level. सर मैंने बोला पंडित जी को, पंडित जी एक ऐसी सुकन्या दिखाई है सर, एक ऐसी सुकन्या दिखाई है जो मेरे साथ काम में भी हाथ बटा सके, ठीक है? पंडित जी ने ये कन्या दिखाई, मैंने बोला ओ पंडित जी मिनिमम कॉस्ट तो यहाँ पर आ रही है, आप तो मेरे को महंगी कन्या दिखा रहे हैं। बेटा थोड़ा सा ना वर्ड्स इधर उधर होंगे, लिटरल मत लेना, नहीं तो आप जबरदस्ती ऑफेंड हो जाओगे। मैंने बोला पंडित जी ये लड़की के लिए जो आप फोटो दिखा रहे हो उसकी फीस कम ले रहे, इसके लिए ज्यादा ले रहे हैं। तो बोल रहे बेटा वो अलग है, वो अलग लेवल की लड़की है। मैंने बोला अच्छा ऐसा, मैंने बोला ठीक है एक काम कर दो, मुझे मॉडल टाइप की लड़की दिखा दो। तो बोले वो अलग है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको लीस्ट कॉस्ट लगने वाली है, आपको अलग अलग कॉस्ट लगेगी सर, अलग अलग कन्याओं की अलग अलग डिमांड है। तो भैया यहाँ पर आपको ना सिर्फ प्लांट चूज करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे, आप प्लांट के एकदम लोएस्ट पॉइंट पे ऑपरेट करेंगे नहीं बेटा। लोएस्ट कॉस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर आप ये वाला प्लांट चूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट इतनी आएगी, ये वाला प्लांट चूज करेंगे तो कॉस्ट इतनी आएगी, तो अलग अलग प्लांट पे अलग अलग कॉस्ट है। लेकिन सर अगर आप इतना प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको मिनिमम इतना लगेगा ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, मिनिमम इतना लगेगा। अगर आप ये वाला चूज करते हो प्लांट तो आपको मिनिमम इतनी कॉस्ट लगेगी सर, इससे कम नहीं लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी, मिनिमम इतनी ही लगने वाली। सर इसको प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं और एसएससी को प्लांट कर्व भी बोलते हैं। एलएसी जो है इनफाइनाइट एसएससी से डिराइव होता है, ये एक यू शेप कर्व है, हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है एक बेस्ट एसएससी कर्व। नोट, फर्म एसएससी चूज करेंगे सर, मैं लड़की चूज करूंगा, मैं लड़की की क्वालिटीज चूज नहीं करते बैठूंगा, आई विल चूज द एसएससी कर्व विद द हेल्प ऑफ एलएसी, पंडित जी की हेल्प से लड़की चूज करूंगा, एलएसी की हेल्प से एसएससी चूज करूंगा, पर सर एसएससी को चूज करूंगा, एसएससी के मिड पॉइंट को नहीं अचीव कर सकता। बोलेंगे सर ऐसा कैसा, मिड पॉइंट पे काम करना चाहिए, नहीं बेटा जब आपको कई बार ऑप्शंस मिलते हैं ना तो आपको थोड़ी सी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, इसलिए आप मिड पॉइंट पे काम नहीं कर सकते। सर ये इनॉर्मस इनफाइनाइट एसएससी की हेल्प से डिराइव होता है और टेंजेंशियली कट होता है, जब एलएसी डिक्लाइन होता है तो फॉलिंग पोर्शन को कट करता है बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज, राइजिंग जब एलएसी बढ़ता है तो वो राइजिंग पोर्शन को कट करता है बिकॉज ऑफ डिस इकोनॉमीज, दस इनिशियली फॉल्स सब्सिक्वेंटली राइजेस, इट बिकम्स अ यू शेप कर्व। बट आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स ब्रेक, यू कैन आस्क मी क्वेरीज, मैं क्वेरीज लूंगा, मैं रेवेन्यू भी कंप्लीट करवाऊंगा आज। तो बेटा जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान।